नमो भित्रागाय नमो भित्रागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो आयरियानम नमो वस्यायानम नमो वस्यायानम नमो लोये सप्रसाप्न नमो लोये सप्रसाप्न एसो पंच नमकारो एसो पंच नमकारो सब पाव पणासनो सब पाव पणासनो मंगलानंच सव्येसिं मंगलानंच सव्येसिं परमं हवई मंगलम परमं हवई मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता तैंतीस कोटि देवी देवताओं को तैंतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ वितराग शासन देवी देवताओं को वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें जगत कल्याण हो 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 जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद वर्तमान जीवन जो है हमारा इंसान की सोच से बाहर निकल गया है क्या निकल गया है इंसान की सोच से बाहर निकल गया है और इंसान उसके बारे में सोचता भी नहीं कि आखिर ये मैं जीवन जी रहा हूँ वो किसके लिए जी रहा हूँ वो नहीं समझ में आता है क्योंकि जिसके लिए जी रहा हूँ जो पाने के लिए जी रहा हूँ जिसके लिए यानी व्यक्ति के लिए पाने के लिए यानी साधन संपत्ति सत्ता को पाने के लिए जी रहा हूँ ये सब तो मेरे को छोड़ के ही जाना है तो इसके लिए जी रहा वो प्रश्न नहीं है नहीं समझ में आया जिसके लिए जी रहे उसको छोड़ना है जो पाते हैं इसको छोड़ना है तो इसके लिए जी रहे क्या इसके लिए कैसे
तो हम जी किसके लिए रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? नहीं, जो कुछ भी करोगे, जो कुछ अच्छा करोगे, जो कुछ बुरा करोगे, जो कुछ संबंध बनाओगे, जो कुछ संपत्ति प्राप्त करोगे, ये सब कुछ छोड़ना भी है और शरीर अच्छा बुरा है तो भी उसको जलाना है। अभी क्या पाया आपने? वो तो जला दिया है। किसने पाया? इसने पाया, इसको जला दिया। फिर शांति पाया तो उन्होंने पाया, सुख पाया तो उन्होंने पाया, दुख पाया तो उन्होंने पाया, रिलेशन भी उनके साथ जुड़े हुए थे, संप्रति उसके साथ जुड़ी हुई थी, इसको जला दिया। फिर क्या पाया हमने? जैसे एक व्यक्ति थी, उन्होंने लोन लिया बैंक के पास से और मकान बना दिया। धीरे धीरे लोन को पेमेंट कर दिया, मकान खुला हो गया, फिर तोड़ दिया। तो आपने कहा आपको बेनिफिट क्या हो? बस यही मेरा जीवन है। नहीं समझ में आया? लोन से मकान बनाया, लोन पेमेंट कर दिया, फिर मकान को तोड़ दिया। नहीं समझ में आया? हम अपने जीवन के अंदर हर साल, हर दिन, हर समय इंस्टॉलमेंट देते हैं जीवन, ये बॉडी के लिए। और जब जब पूरा इंस्टॉलमेंट हमारे कर्मों का खत्म हो गया, फिर इसको जला दिया, तो बेनिफिट क्या हुआ? नहीं, क्या पाया मैंने? वो तो बताओ क्या पाया? जीवन के अनुसार कुछ नहीं पाया। सत्ता को पाया? नहीं। संपत्ति को पाया? नहीं। संबंधों को पाया? नहीं। संपत्ति को पाया? नहीं। शरीर को पाया? नहीं। तो पाया क्या आपने? तो फिर जिया किसके लिए? जीवन का मकसद क्या था? नहीं, उसको भी जला दिया। फिर मानव जीवन तो मिला है मोक्ष पाने के लिए। बोला बोला क्या कहते हैं? मैंने कार को लिया, फिर कार की एसेसरीज लगाई दिया, उसका ढक्कन भी लगा दिया, पेट्रोल भी लगा दिया, फिर जला दिया। नहीं समझ में आया? फिर क्या मालूम बेनिफिट क्या है? सब कुछ किया आपने, फिर जला दिया, तो मतलब क्या रहा? बेज निकल गया ना, बेज निकल गया ना, इसको भी जला दिया आपने। इनको सुख मिला, दुख मिला, सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब कुछ मिला, फिर बाद में जला दिया, तो उसका अस्तित्व? तो फिर आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। तो बस पाने के बाद छोड़ने के लिए हम जीते, वही हुआ ना? मोक्ष पाने के लिए जी के, जीने के बाद मरने के लिए जीते। मोक्ष के लिए तो कौन जीता है? मोक्ष शब्द भी आज बोलते नहीं है कोई, साधु भी नहीं बोलते, संत भी नहीं बोलते, सन्यासी भी नहीं बोलते, हम पूरे जीव जीव में याद भी नहीं करते मोक्ष को। तो मोक्ष को तो कोई याद करता है, सत्ता को याद करे, संपत्ति को याद करे, साधनों को याद करे, संबंधों को याद करे, शरीर को याद करे, पैसे को याद करे, नौकरी धंधा को याद करे, समाज के व्यक्तियों को याद करेंगे, मुक्ति को कोई याद? संसार का पानी तो ये याद करेगा? करता है? नहीं, नहीं। मोक्ष किताबों के अंदर या कान में सुनने के लिए तो अच्छा शब्द है, किताबों में छापने के लिए और कान को सुनने के लिए तो अच्छा शब्द है, मगर जीवन में प्रैक्टिकल में कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता। बस, और यही तो सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है कि आखिर हम जो कुदरत ने हमको शरीर दिया है, हम क्या पाना चाहते हैं इस साधन से? कार मिली है तो हम इससे ट्रांसपोर्टेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मकान मिला है तो हम इसमें रहेंगे, नौकरी करूंगा तो महीने के बाद मेरे को पगार मिलेगी, बिजनेस करूंगा तो साल के बाद मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, मगर ये शरीर है वो शरीर में जला दूंगा तो क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा? कुछ नहीं पाऊंगा। वही बात होती है ना, तो प्रश्न मेरा ये है कि जरा आप कभी एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचो तो सही, आखिर ये लाइफ का मतलब क्या है? अगर जो पाते हैं वो छोड़ना है,
जो पैदा होता है इसको जलाना है, तो वो तो मकसद नहीं है। आज मिले, कल मिले या परसों मिले, कोई मतलब नहीं। मेरे को 8 लाख रुपया मिल गया, 6 महीने के बाद मिल गया, 6 साल के बाद मिला गया या 50 साल के बाद मिला, फिर भी छोड़ना तो है। तो मिला या ना मिला, कब कब मिला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि छोड़ना वो क्या है, नक्की है। वो पैदा हुआ तो इसका मरना क्या है, क्या ऑप्शन है कोई? जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आखिर हम श्वास लेते हैं और जीवन जीते हैं, खाना खाते हैं, पीते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, क्या पाने के लिए करते हैं? ये भी तो समझना चाहिए ना, हम पाना क्या चाहते हैं? हम अपने जीवन का कौन सा गोल लेके जीते हैं? कोई लक्ष्य होना चाहिए, पर नहीं है नया। क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा है कि मेरे को करोड़पति होना है, और आप हो भी गए, फिर पैसा छोड़ के जाना है, तो मीनिंग क्या रहा? आपने कहा मेरे को मकान बनाए, 10 करोड़ का मकान बनाना है, आपने 60-17 साल की उम्र में बना दिया, और लोन भी बाकी नहीं है, बन गया, 5 साल के बाद ऊपर पहुंच गया, छोड़ दिया, तो पाया क्या वो तो बताओ। मेरा मतलब है पाया क्या आपने, और जो पार कर छोड़ना है वो तो पाया नहीं है, मिला या ना मिला क्या फर्क हुआ? जो दिमाग में जो मैंने मेहनत करके पैसा कमाया है, और पैसा मैंने फिर बैंक में रख दिया या गोल्ड में रख दिया या सिल्वर में रख दिया या मैंने डायमंड में रख दिया, ठीक है, अभी वो मैंने सब कुछ रख दिया बैंक के लॉकर में, और लॉकर है मेरा नाम का, बराबर है। धीरे धीरे समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया लॉकर के अंदर एफडी है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, मगर मैं नहीं रहा, तो मैंने पाया कहूंगा ना? बोलते नहीं है, नहीं बात तो समझनी पड़ेगी कि नहीं समझनी पड़ेगी? भ्रांति से कैसे जीओगे तो आगे बढ़ोगे? आंखें तो खोलनी पड़ेगी ना, नींद में कब तक जीओगे? जिसके लिए इतना मेहनत करते दिन रात, ये दांत को दंत वो क्या खोलते हैं उसको आप, नहीं ब्रश कर, दंत मंजन कहो, ब्रश कहो, सुबह शाम 4-5 बार साफ करते हैं दांत को, फिर भी एज होती है तो गिर जाता है। इतना प्रयास करने के बावजूद भी, खाना खिलाओ, पीना खिलाओ, सफेद करो, कोलगेट करो, ये करो, वो करो, फिर भी गिरना, रोज अंजन करो फिर भी मोती आना, हर रोज कान को साफ करो फिर भी नहीं सुनाई देगा, ये बाल को कंघी करो, तेल लगाओ, शैंपू लगाओ, फिर भी वाइट हो जाएगा, निकल भी जाएगा। इतना प्रयास करने के बाद भी चला जाना, तो व्हाट इज द मीनिंग? सच्चाई तो समझना पड़ेगा ना, भ्रांति से कब तक जिएंगे? ज्ञान तो मिल गया मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा की इंपोर्टेंट 24 घंटे में कितनी बार रहती है? रहती है शरीर की, और शरीर के साथ जुड़े हुए संजोगों की रहती है आत्मा की, और आत्मा भी शरीर के साथ है कि नहीं है। मगर उसकी वैल्यू नहीं है, याद भी नहीं। कोई कहेंगे कि आप कौन हो, तो बोला मैं आत्मा हूं, मगर याद रहता है तो कि नहीं, तो आप कौन नहीं है तो कि मैं शरीर नहीं हूं, मकान नहीं हूं, या क्या रहता है तो कि शरीर मकान संपत्ति सर याद का है, जो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं वो याद रहता है, और मैं हूं वो याद नहीं रहता। फिर कहता है मेरे को तरक्की करना है, क्या तरक्की करोगे? जो मैं खुद हूं वो ही भूल गया हूं, और जो नहीं हूं इसके लिए पूरा जीवन बिताता हूं। देखो यही हमारे जीवन की वास्तविकता है, और फिर हम सब बोलते हैं कि हमको आगे जाना है, कहाँ जाओगे आगे, आगे कहाँ जाओगे? जब हमारी दृष्टि ही, हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, एक प्रकार का माइंड सेट हो गया, क्या हो गया, आगे कैसे बढ़ोगे?
माइंड सेट बना दिया, क्या बना दिया, और यही कमजोरी हमारी है कि हम आत्मा है ऐसा ज्ञान तो हमने पाया है, किताबों से कहो, गुरु से कहो, ज्ञानी से कहो, कहीं से पाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इसकी जागृति जीवन में डे लाइफ में रहती है कि नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। नॉलेज की कोई वैल्यू हो, जो किताब में लिखा वो दिमाग में रहा है तो कोई वैल्यू, अवेयरनेस नहीं है तो क्या वैल्यू है। मगर वो नहीं है ना, मगर जागृति कहाँ से लाएंगे, उतारना पड़ेगा। आपके जो सब कह रहे हो उतारना पड़ेगा जो जागृति है। हाँ बराबर है, मगर कहने का मतलब है अभी तक फिर क्यों नहीं उतारा, किसी ने मना किया था। तो आपने अपने विचारों पे डिपेंड करता है कि मुझे आपका कितना सबको उतारना है, इनको कितना उतारना है, उसका और मेरा वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अगर मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान किताबों से मिला है, गुरु से मिला है, ज्ञानी से मिला है, कहीं से भी मिला है, मगर मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है। अभी मेरे को जो आत्मा हूँ मैंने स्वीकार किया है, इसकी मेरे को अनुभूति करनी है, फिर किससे मिला वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ज्ञान जो मिला वो मेरा मिला है, और किसी का नहीं मिला है, किसी के माध्यम से मेरा ही ज्ञान मेरे को मिला। अभी जो मेरे को मिला है वो ज्ञान मेरे को पक्का करना है, वो भी मेरे लिए, उनके लिए नहीं। तो फिर उनकी क्या क्वालिटी है, क्या कैटेगरी है, वो छोड़ दो। ये ज्ञान तो मेरा है और मेरे लिए है, फिर देने वाले कोई भी है क्या मतलब है इससे। तो बात यही कहता हूं, तो फिर इतने सालों से क्यों नहीं हम डीप में गए, किसी ने मना किया था। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अब तो है भी नहीं। आखिर जो कुछ भी वीकनेस रही वो हमारी ही है ना, उसकी वैल्यू नहीं समझे। वही तो मैं बात करता हूं, वैल्यू ही नहीं समझे। और इसीलिए ज्ञानी कहते हैं ऐसे अजागृति में, बेभान अवस्था में हमने कितने अवतार गवा दिए, क्योंकि जीते जी सोचते नहीं है कि आखिर जीता किसके लिए हूँ। ये जो श्वास चलता है वो किसके लिए चलता है, जहाँ तक श्वास चलता है बाकी जो संबंध है, सत्ता है, संपत्ति है, साधन है, वो तो कर्मों के मुताबिक आता जाता रहेगा। इसमें मैं कुछ भी करूँगा तो भी फर्क कर्म सत्ता के आगे किसी की चलती, ठीक है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, राम को भी वनवास जाना पड़ा, पांडवों को भी वनवास जाना पड़ा, राम की भी सीता उठा के ले गए, कृष्ण भगवान को भी जेल में जन्म लेना पड़ा, पारका माता पिता के घर में रहना पड़ा, यानी कोई ऑप्शन था, ऑप्शन था। तो जो कर्म के मुताबिक जीवन चलता है इसमें तो हमको कुछ करना नहीं है, तो फिर ध्यान कहाँ रखना है, मेरा प्रश्न ये है। अगर ये सब कुछ कर्म के अधीन मेरा जीवन चलता है तो फिर मेरे को वॉच कहाँ करना है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। जो प्रोग्राम ऑटो मोड चलता है, जैसे दिन रात चलता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ये श्वास चलता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि अपने आप चलता है। अगर ये बात समझते तो क्या अपना जीवन जो है, जो मन वचन काया से चलता है, व्यवहार से चलता है, क्या वो ऑटोमोड नहीं है, ऑटोमोड। तो फिर ध्यान कहाँ रखना है, संभाव में रहना है, अपने अवगुणों को देखना। मैं वही कहता हूँ, फिर संभाव में रहना है आपने कहा, मगर कहने का मतलब क्या है कि संभाव में रहोगे हमको खुद की पहचान करनी पड़ेगी कि नहीं। संभाव में तो क्या करेंगे, जब कोई आदमी सो गया वो तो संभाव में ही है, राज्य से करता नहीं है। आपको जैसे आज कोई मनुष्य ने मेरे को गाली दी, हाँ। ये गाली दे रहा है मुझे, संभाव दे रहा है किसी गाली को, सो दी ये मेरे को थोड़ी दे रहा है, ये उसको दे रहा है, बस मुझे उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, ये संभाव।
जिसने मेरे को कुछ कहा उसमें मैं जीत जाऊँ वो संभव है और वो उससे वो आदमी आगे बढ़ सकता है। नहीं, संभव में संभव के मतलब रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन करो तो भी संभव रह सकता है, नहीं करो तो भी संभव नहीं रह सकता है। रिएक्शन नहीं करो तो भी संभव ऐसे जरूरी नहीं है। बाहर कुछ बोलता है नहीं, अंदर भाव खराब करता है तो भी संभव नहीं है। बाहर कोई रिएक्शन नहीं किया तो बात वही, फिर बाहर से कहाँ गई, फिर अंदर गई। धीरे धीरे मेरी बात सुन के लोग आगे बढ़ते हैं, वो मेरे को अच्छा लगता है। पहले वो जवाब लेके आए, फिर मैं प्रश्न करूंगा तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर प्रश्न करूंगा फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहले से वो उत्तर नहीं तैयार नहीं उनके पास। जब जब मैं प्रश्न करूंगा तो फिर आगे जाएगा, ये बराबर है, फिर ये बराबर, फिर ये बराबर है। तो बात ये है कि ज्ञानी की अज्ञानी की बात नहीं है। हमने कितने अवतार से, कितने ये बर्थ में, कितने सालों से बहुत कुछ धर्म सुना है, बात वही की वही होती है। क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? फिर मैं जब प्रश्न करता हूँ कि अभी बाहर रिएक्शन करते हैं तो कर्म बनेगा, तो राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया रावण के साथ युद्ध करते समय, फिर भी मोक्ष में क्यों गए? तो फिर बाद में अंदर की बात आई, पहले बाहर के रिएक्शन की बात आई, फिर अंदर की आएगी। तो कहने का मतलब पहले से मालूम नहीं है कि उत्तर क्या होना चाहिए, और आज की बात नहीं है, इतने अवतारों की, इतने सालों की बात है। अवतारों की बात छोड़ दो, इतने इतने सालों में हमने कभी सुना नहीं है, पढ़ा नहीं, ऐसा तो है नहीं। मगर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ा भी है सुना भी है, मगर वैल्यू किसकी है? ये पांच इंद्रियों से जो दिखता है, सत्ता संपत्ति साधन संबंध और शरीर, इसके बाहर हमारा इंटरेस्ट है। तो ज्ञानी कुछ भी कहे, क्या मतलब है? बात यह है क्योंकि हम कुछ सोचते नहीं हैं, क्या नहीं करते है? जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, वो यहां तक रहता है, प्रैक्टिकल में नहीं आता है, फिर बेनिफिट कैसे होगा? और यही हमारे सबकी कॉमन कमी है, कॉमन। एक बार आपको मालूम हो गया कि हमारे घर के अंदर जो हमारे पिताजी ने डायमंड को रखा है, वो डायमंड की कीमत आज 10 लाख रुपया है, एग्जाम्पल देता हूँ, और घर में इस जगह पे इस कबोर्ड के अंदर रखा है, तो मैं उसको बार बार चेक करूंगा जीवन में, क्या करूंगा? क्योंकि उसकी कीमत है। और कहीं बाहर जाऊंगा घर के पहले देख लो वो तो बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसकी और आत्मा की वैल्यू आत्मा है। बात वही है, नॉलेज तो है मगर वैल्यू नहीं है। जानते तो है मगर मानते नहीं। तो ये बात है, और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि आध्यात्म का मार्ग जो वास्तव में दृष्टि का मार्ग है, क्या है? और लोगों ने क्रिया का मार्ग बना दिया। धर्म तो क्रिया का मार्ग था ही, क्या बताया? धर्म तो क्रिया का मार्ग था ही। अभी ज्ञानियों का मार्ग भी क्रिया के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? बस फिर विज्ञान और दृष्टि नहीं, फिर वही रिचुअल्स है। आध्यात्मिक में आगे बढ़ना है, सबसे पहली बात ये दुनिया के सनातन सत्य को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सनातन सत्य, व्यवहार सत्य नहीं। सनातन सत्य का मतलब कभी परिवर्तन होता नहीं, उसको समझना पड़ेगा। और वो ऐसा नहीं है कि एक दो घंटे में समझ में आ जाए। हमको ग्रेजुएट बनना है तो भी 15 साल पढ़ना पड़ता है, हाँ या ना? इसके बाद भी नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है, बोलते नहीं है, हाँ के मैं तो बोलो, 15 साल पढ़ने के बाद भी गारंटी है?
तो बात यह है कि हमको भी अगर इस दुनिया का अगर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, हमारे जीवन में उसको आत्मसात करना पड़ेगा। सिर्फ मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि में पक्का करने की जरूरत है। जैसे दो व्यक्ति आपस में मिलती है तो दो व्यक्ति को हम देख सकते हैं, मगर दो व्यक्ति के अंदर परमात्मा है जिसका हमको ज्ञान है, उसको हम होते हुए क्यों नहीं देख सकते? ये आपके सोच का प्रश्न होना चाहिए। बताया मैंने कहा हाँ। ये दो व्यक्ति आपको दिखती है, ठीक है, अच्छी बात है, मगर दो व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वो हमारे पास ज्ञान है, तो वो क्यों नहीं उपयोग करते उस समय? किसने मना किया? बोलिए, किसने मना किया उस समय? व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखा और व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वो ज्ञान भी आपके पास है, उपयोग क्यों नहीं करते? तो अकेला शब्द ज्ञान काम में नहीं आएगा, और इसीलिए मैंने कहा थियरी से मुक्ति नहीं है, प्रैक्टिकल से मुक्ति है। पूरा किताबें कंठस्थ कर दोगे फिर भी ज्ञान समझ में है? तो बात समझनी पड़ेगी। जीवन में जो कुछ भी जानते हैं, मानते हैं, सुना है, समझा है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग करने का प्रयास तो करो, प्रयास नहीं करते। कोई व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया तो हम ये कहेंगे कि भी मेरे कर्म का उदय है, उसके साथ संभाव रखो। इसके पीछे साइंस समझने की तो कोशिश करो। ये तुम्हारी बुद्धि ये बात बार बार विदाउट बेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसके पीछे उसको साइंटिफिक प्रोसेस बतानी पड़ेगी कि कैसे ये हुआ, तभी आपका अहंकार और बुद्धि एक्सेप्ट करेंगे। इसको प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? प्रोसेस चाहिए। आज बच्चा क्या पूछता है फादर मदर को, क्या आरती क्यों करते हैं? तो फादर मदर क्या बोलेंगे? बोलो ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, मेरे पिताजी करते थे, गुरु ने बताया है, इसीलिए हम करते हैं। ये आंसर है? ये आंसर है? तो बच्चा एक्सेप्ट करेगा? यही हम करते हैं, गुरु जी ने कहा इसलिए हम करते हैं। आपने कोई प्रोसेस किया इसको स्वीकार करने के लिए? नहीं किया, और ब्लाइंडली आपने एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो भी करते हैं। कोई प्रश्न करेंगे तो आपका उत्तर नहीं है तो क्या कहेगा? ये तो मैकेनिकल है, बिना सोचे समझे काम करता है। ये मशीन करता है, मशीन को सोचने की जरूरत है? एक प्रोग्राम, ये पंखा को ऑन कर दिया, चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? उसको सोचने की जरूरत है? ऐसे ये भी मशीन है, इसको काम दे दिया वो करता रहेगा। मतलब क्या है? जागृति कहाँ है आपकी? यही बातें होती है, और जागृति नहीं होती है तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हर बात के अंदर प्रोसेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति ने अपमान किया, उस समय प्रोसेस होनी चाहिए कि जो अपमान किया वो व्यक्ति है, वो अपनी स्वतंत्रता से अपमान कर सकता है या कर्मों के वश करता है, और हमारा अपमान करता है तो हमारा भी कर्म है कि नहीं? इनको बोलने का कर्म, हमको सुनने का कर्म, और ये दोनों का जो शरीर है, शरीर वो कुदरती रचना से चलता है। किसकी रचना से? कुदरती रचना से। दोनों का शरीर, और दोनों के अंदर जो आत्मा है वो शरीर से कैसा है? अलग। उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, न किसी का अपमान किया है और न किसी का अपमान सुना है आत्मा ने, तो आत्मा तो पहले भी कैसा था और बाद में भी कैसा है?
वो तो शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, जो हम खुद है। और शरीर जो है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, तो इसको तो कर्म की भुगतान आएगी। या किसी को गाली देने का कर्म होगा या तो गाली सुनने का कर्म होगा, मगर ये तो कर्मों की भुगतान का साधन है ही। इसलिए इसको सुख दर्द आएगा या नहीं वो प्रश्न नहीं है, और वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने से फायदा क्या है? कुदरत कहते हैं हम तो कोई भी इंसान को श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। सही है गलत है? सही है गलत है? जब आपके पास श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, कोई कहता है मैं श्वास लेता हूं, मैंने कहा रात को सोने के बाद कौन लेता है? तो बोला वो तो मालूम नहीं, तो रात को अलग है जिनको अलग है बोलते नहीं है। यही भ्रांति का ज्ञान लोगों को चलता है दिमाग में, सोचते ही नहीं है, फिर कहता है हमको आगे बढ़ना है। ये दुनिया जो भ्रांति चलती है उससे ऊपर कोई सोच ही नहीं है हमारी। अगर हम खुद श्वास लेते होंगे अपनी मर्जी से, तो अटेंशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो हम श्वास लेते तो अटेंशन देते हैं, देते हैं कि अपने आप चलता है। देखो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति भी कुदरत ने नहीं है। तो जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, जिस श्वास के आधार से, यस और नो? यस। अगर श्वास बंद हो गया तो मन चलेगा? नहीं चलेगा। बोल सकते हैं? नहीं। क्रिया कर सकते हैं? नहीं। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया कुदरत ने, तो जिस श्वास के आधार से ये मन वचन काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं। और फिर भी क्या मानते हैं? मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं करता हूँ, उन्होंने बोला, उन्होंने किया, फिर कहता है मेरे को तो आगे बढ़ना है। जब तुम्हारी दृष्टि ही अज्ञान से भरी पड़ी है। किससे भरी पड़ी है? अज्ञान। फिर कहता है मेरे को आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ोगे? नहीं सोचते नहीं है। मैं बाह्य जीवन की बात नहीं करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ कि कोई बातों को सोचो तो सही। सोचने में कोई मना है? नहीं। कोई रिस्ट्रिक्शन है? मगर सोचते नहीं है। बोला हमको ज्ञान मिल गया, वो तुम्हारा अनुभव का है कि रेडीमेड है? रेडीमेड कपड़ा कितना दिन चलेगा? थोड़े दिन। बिना सोचे समझे आप परिपक्व हो सकते हैं? नहीं। किसी का दिया हुआ हमारे लिए परमानेंट हो सकता है? नहीं। एनीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो कुछ भी पाते हम, इसमें से कोई भी चीज क्या परमानेंट हो सकती है? नहीं। माँ ने जन्म दिया है तो जीवन भी परमानेंट नहीं है, है? तो किसी ने दिया हुआ ज्ञान कैसे परमानेंट हो सकता है? उनको देना हमको लेना एक संयोग है, एक कर्म है। अब समझे कि नहीं? मगर हर बात के अंदर हम डीप में जाते और यही बात है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही बात कहा, राम ने भी यही बात कहा, वेदांत में भी यही कहा, जैनों के आगम में भी यही कहा कि आप आपकी सोच को अपग्रेड बनाओ, आम लोग सोचते उससे आगे जाओ। और ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है, सैद्धांतिक सत्य क्या है, वो समझने की कोशिश करो, तब मालूम होगा कि आखिर दुनिया का फैक्ट क्या है। ये तो व्यू पॉइंट है सबके, क्या है? एक कहे राम भगवान, एक कहे कृष्ण भगवान, एक कहे महावीर, एक कहे शिव, एक कहे स्वामीनारायण, कौन गलत? तो क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ है? मतलब व्यू पॉइंट। मगर अगर सोचते नहीं तो फिर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वो सोचते तक नहीं है ना। फिर उनकी दृष्टि वही रहेगी व्यू पॉइंट वाली, इससे प्रगति संभव
तो हमारी दृष्टि को ये विज्ञान के माध्यम से, सनातन सत्य के माध्यम से परिपक्व बनाओ। विज्ञान ये नहीं कहता है, आध्यात्म विज्ञान, कि मैंने जो बात कही वो आप स्वीकारो। पहले सोचो तो सही, फिर आपको लगे कि ये बात मेरे लिए अच्छी है तो इसको फॉलो करो। ब्लाइंडली नहीं, क्या बताया, आंखें बंद करके फॉलो मत करो। कुदरत ने आपको बुद्धि दिया है तो सोचो, फिर 10 साल 25 साल होने के बाद कहेंगे इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, आखिर क्या पाया। तो पहले सोचना चाहिए ना आपको, बाद में रोने से क्या फायदा। बोलते नहीं है, कोई व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, किन बातों का ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति आपकी निंदा, बैठा है चार आदमी आए मेरे पास और वो कहते हैं भाई जब गपशप करने बैठे तो किसी की निंदा ही होती है या कोई वही बात होती है, तो उस वक्त उस आदमी को किस चीज की जागृति रखनी चाहिए। ये जागृति रखनी चाहिए कि निंदा करने वाला, निंदा करने की स्वतंत्र शक्ति उसके पास है क्या? निंदा करने वाले व्यक्ति के पास निंदा करने की स्वतंत्र शक्ति है, है कि नहीं? उसकी निंदा स्वतंत्र शक्ति का ही नहीं हुआ। मैं प्रश्न करूं कि है कि नहीं, बस स्वतंत्र शक्ति वो निंदा कर रहा है इसीलिए तो कर रहा है, स्वतंत्र है करने के लिए। और श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, स्वतंत्र ही है। श्वास लेने की स्वतंत्र कैसे है, श्वास जैसे आ रही है तो स्वतंत्र ही आ रही है, मेरे बस में तो है नहीं, मैं बैठ को तो, मैं उसके बस की तो बात करता हूँ, बस की नहीं है ना, बस वो स्वतंत्रता नहीं है। श्वास ले रहे हो उसकी बात नहीं करता हूँ, श्वास लेने की स्वतंत्रता है कि नहीं मैं उसकी बात करता हूँ, ले रहे हैं कि नहीं उसकी बात नहीं करता हूँ। हमारे पास इसकी फ्रीडम नहीं है, वो ऑटो मोड चलती है। ऐसे हमारा मन वचन काया का जो जीवन है, सोचना बोलना क्रिया करना, वो भी हमारी स्वतंत्रता में नहीं है। न राम की स्वतंत्रता में था, न कृष्ण की स्वतंत्रता में था, न महावीर की स्वतंत्रता में था, न हमारे किसी के स्वतंत्रता में नहीं है। बराबर है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि निंदा करने वाले व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, पहला आपको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद आगे गाड़ी चलेगी। कैसे समझूं कि ये बैठे हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं कि ये स्वतंत्र है? वही तो मैं कहता हूँ आपको, वही तो मैं समझना चाहता हूँ, और वही तो मैंने समझाने की कोशिश किया कि जब श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है तो निंदा करने की स्वतंत्रता कहाँ से लाएगा? जो कर रहा है ना वो स्वतंत्रता कहाँ से लाएगा? देखो ये कर रहा है, मुझे किस चीज की ध्यान रखना है कि ये कर रहा है, चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं वही तो कहता हूँ कि आप इसको मानते हैं कि वो कर रहा है, वही आपकी अज्ञानता है और वो मिटाना पड़ेगा। तो कैसे ज्ञानता, मैं ये तो कह रहा हूँ चार आदमी बैठ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई उस आदमी ने ऐसा किया, उस आदमी ने ऐसा किया, तो मुझे क्या बात में ध्यान रखनी चाहिए? उसको ये पूछूं कि ये बात सत्य है, हमको इसकी बात की सत्यता है तेरे पास, आपकी जैसे मैंने कोई आपकी आलोचना की मेरे पास, वो आदमी ऐसे है वैसे है, तो मैं उस आदमी को क्या पूछूं कि ये सत्य है झूठ कह रहा है? वो पूछने की जरूरत कहाँ है हमको? नहीं तो फिर सोचना क्या है? मैं वही तो कहता हूँ आपको कि सोचना क्या है, कि उनके पास पहले आप पूरी फॉर्मेट समझ लो, मैं पूरा उत्तर देना चाहता हूँ और आगे आगे मैं जो कहूंगा इसका उत्तर आपको हाँ या ना में देना है, उसका बेस मैंने पहले दे दिया है, उसके मुताबिक उत्तर देना है। फिर क्यों बार बार बात घुमाते हो? मैंने पहले भी कहा था कोई भी व्यक्ति के पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, और जब श्वास लेने की नहीं है तो मन वचन काय के चलाने की हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो बात सिद्ध हो गई। अभी आपने प्रश्न पूछा कि ये व्यक्ति किसी का गाली देता है, अपमान करता है, गलत बोलता है, निंदा करता है, तो यही प्रिंसिपल आपको अपनाना है कि उनके पास पहले बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। ये पहला आपको समझना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल। फिर आपको समझना पड़ेगा जिसके लिए बोल रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, उनके पास भी सुनने की स्वतंत्रता नहीं है, उसका भी संजोग है।
इसका बोलने का, इसका सुनने का, ये दोनों का संयोग वो कुदरती रचना है। वो आगे सिद्धांत आपकी कर्ण सिद्धांत पे आ गया है, जैसे जिसको बोला रहे वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, मैं अभी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। आप जो चीज कह रहे हो मैं मान रहा हूँ कि भाई इसको भी स्वतंत्रता नहीं है, मेरे को भी स्वतंत्रता। ओके, फिर ये चीज मान ली, मान लिया, फिर बेसिकता आ गई ना वो कर्ण पे गई। हाँ बोलिए बोलिए। फिर मैं तो ये चाहता हूँ कि ये कोई मुझे बेसिक चाहिए कि निंदा कर रहा है। आप तो कह रहे हो भाई कर रहा है, इसके बस की बात नहीं है, इसके बस की नहीं। मैं किस चीज का ध्यान रखूं जैसे संभव, मैं नहीं सुन सकता ये निंदा करना। अगर दोनों, अगर निंदा करने वाले और निंदा सुनने वाले दोनों को आप अकर्ता देखोगे तो रागद्वेष होंगे। अकर्ता देखें तो रागद्वेष नहीं होगा, तो संभव नहीं हुआ। हो सकता है कि हो गया, हो गया संभव, तो भी और क्या करना है। आप पहले से बोलते हैं संभव संभव, वो तो हो गया है। क्या बताया? जब आपने कहा कि संभाव्य निकाल करना था, वो मेरा गोल था, और ये दृश्य देखा मैंने, तो संभव रहा, तो उत्तर मिल गया ना, उत्तर मिल गया ना। सबके लिए एक सा रिजल्ट, फिर कोई क्या करता है अच्छा या बुरा, और सुनने वाला क्या है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। और जब दोनों प्रिंसिपल आपकी दृष्टि में है, तो फिर संभव करना है कि आप उनका रिजल्ट संभव है। मैंने इसको भी कुदरती रचना के रूप में देखा, इसको भी कुदरती रचना के रूप में देखा, तो मेरे अंदर से राजवेश होंगे होंगे, बस वही तो संभव है। हाँ तो नहीं, आपका प्रश्न ये इसमें प्रश्न क्या है आपको? मेरे तो प्रश्न ये है कि भाई आदमी तीन बैठे, वो आपने बता दिया, आपने बहुत बार बता चुके हैं, बस वही प्रश्न है। अभी तक मुझे वो उत्तर नहीं मिला आपकी, उससे मैं भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो आपने उत्तर दे दिया, मगर कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई वो बतानी पड़ेगी। क्यों बोल रहा है है? ये क्यों बोल रहे? मैंने कहा ये कर्म सत्ता है उनके, ये कर्म कर्म के ऊपर छोड़ना है बात, मैं यही कह रहा हूँ उसको कर्म पे छोड़ना है ना है? आप जो कह रहे हो कर्म सत्ता है, तो उस बात को कर्म सत्ता पे छोड़ना है ना, कैसे छोड़ना है? हाँ उस बात को कर्म सत्ता पे छोड़ना है। कोई बात नहीं, बैठे बैठे सोचते हो ये क्यों बोल रहे? कर्म कर्म सत्ता, कर्म का जो कानून है वो कानून शाश्वत है या कोई नया कानून है? तो शाश्वत है तो मैं कर्म सत्ता की बात करूंगा, शाश्वत की बात हो गई कि नहीं हो गई? मैंने कह पहले भी कहा मैं सनातन सत्य की बात करता हूँ, वो सनातन सत्य है, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है? इसमें क्वेश्चन कहाँ है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं व्यवहार सत्य की बात नहीं करता हूँ, सनातन सत्य की बात करता हूँ, और कुदरत का कानून, कर्म का सिद्धांत वो सनातन है, और जो वो बात किया मैंने, तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है? मगर कर्म का सिद्धांत अकेले बोलने से आपका विजन साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी लोगों के पास ये सेंटेंस है, कर्म का सिद्धांत वो सेंटेंस दिमाग में है, किसी के पास नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, फिर भी संजोगों को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के पीछे साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है, और इसलिए मैंने प्रोसेस बताई। क्या बताई? मैंने पहले भी कहा कि कर्म के सिद्धांत शब्द बोलोगे तो नहीं चलेगा, प्रोसेस चाहिए, तो प्रोसेस मैंने बताई, और प्रोसेस का एंड लाया कर्म का सिद्धांत। पहले क्या बोलते थे? रेडीमेड कर्म का सिद्धांत, फिर पैसा चला गया, कोई लूट गया, तो बोला ये कर्म का सिद्धांत नहीं है, मैं नहीं स्वीकार करूंगा, मैंने तो कुछ नहीं किया था। मतलब आपके पास सिद्धांत नहीं है, शब्द ज्ञान है, मगर जब प्रैक्टिकल होगा तो मालूम होगा कि उनके पास पॉकेट काटने की फ्रीडम नहीं है और मेरे पास कटवाने की नहीं है, फिर भी उन्होंने काटा और मेरा कटवाया क्यों? यही मेरा कर्म का फल है और यही कुदरती रचना है। तो ऐसी प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपका अहंकार, आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करेंगी। सिर्फ कहोगे कर्म का सिद्धांत, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये तो रेडीमेड आंसर है, रेडीमेड नहीं चलेगा, प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? हर बात में प्रोसेस चाहिए। और आज बच्चा जो होता है, आज के बच्चे
इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हर बात में वाय वाय प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि तुम बिना लॉजिक बात करते हो, क्यों हम एक्सेप्ट करें? आपको जो करना है वो करें। अगर आप हमको उत्तर नहीं दे सकते तो स्वीकारेंगे क्यों? आप भले करते हैं, मैं क्यों करूं? आप हमको उत्तर दो, और उत्तर ऐसा दो हमको लॉजिक मालूम होना चाहिए, रैंडम नहीं, ब्लाइंडली नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो शब्द ज्ञान से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तब ये विज्ञान जो आध्यात्म विज्ञान है वो समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने कहा हर बात के पीछे प्रोसेस होती है, जिसको साइंटिफिक प्रक्रिया बोलते हैं। मैंने कहा ना, मेरा टाइटल है आध्यात्म विज्ञान। आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है सिद्धांत तो क्यों ऊपर रहेगा, श्रद्धा बीच में है। वही पानी में जीव है, तो साइंटिस्ट बोलेगा कैसे जीव है? आप उसको चीज को बता रहे हैं बस, मगर बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ। आप जीव को जानते हैं, जीव शब्द को जानते हैं, मगर आपको साइंस नहीं है, तो आप कहेंगे शास्त्रों में लिखा है, ये उत्तर है? गुरु ने कहा है, ये उत्तर नहीं है, ये तो रेडीमेड है। तो कहने का मतलब ज्ञानी ओसा होना चाहिए, उनको पूरी प्रोसेस मालूम होना चाहिए, उनके हर प्रश्नों का उत्तर उनके पास होना चाहिए, तभी उसको सेटिस्फेक्शन होता है। मेरे को साइंटिस्ट ने पूछा, ये तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हो और दुनिया के इतने सारे धर्म भी हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करो, दुनिया के सब व्यक्तियों धर्म की बात करते, हिंदू मुसलमान क्रिश्चन सब धर्म ही है ना, तो तुम धर्म की बात नहीं करते, तुम आध्यात्म विज्ञान शब्द यूज करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दुनिया में इतने सारा धर्म है और तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जो लिखा हुआ वो कहते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार कहते हैं, वो अनुभव। तो मैंने कहा कि दुनिया का हर धर्म फॉर्मेट है, क्या है? फॉर्मेट। और मैं बियॉन्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ, दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस। जो फॉर्मेट में आता है, भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, गुरु शिष्य, मेरे पास वो है नहीं। मेरे पास है कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर, वो फॉर्मेट की बात नहीं करता हूं। तो मैं कहूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे कि बात बराबर आपकी, जब समझ आएगी नहीं उसको समझ आ जाती तो ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब मैं फॉर्मेट की बात ही नहीं करूंगा तो नहीं समझेगा। आप समझे कि नहीं? मैं कोई भगवान का नाम नहीं लूंगा, गुरु का नहीं लूंगा, मंदिर का नहीं लूंगा, मंत्र का नहीं लूंगा, शास्त्र का नाम नहीं लूंगा, रिचुअल्स की बात नहीं करोगे, वो नहीं समझेगा कि तुम फॉर्मेट की बात नहीं करते हो, तो उसको मालूम होगा ना बात बराबर है। दुनिया के हर धर्म गुरु फॉर्मेट की बात करते हैं, यस और नो? कोई सनातन सत्य की बात नहीं, सांप्रदायिक सत्य की बात करते हैं। हर का संप्रदाय क्या है? और वो तो फिर क्या हो गया? सनातन सत्य हुआ कि व्यू पॉइंट हुआ? व्यू पॉइंट की बात साइंटिस्ट को इंटरेस्ट नहीं है, इनको यूनिवर्सल ट्रुथ चाहिए, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होना चाहिए, सनातन सत्य होना चाहिए, तभी आपकी बात मानेंगे। और इसीलिए ये बात मैंने पहले भी कहा कि ये साइंस है, आध्यात्म विज्ञान है, धर्म नहीं। और तुम धर्म की सोच लेके आए हो और इसीलिए बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आपके मन में जो धर्म की जो सोच है वो सेट हो गई है, माइंड सेट कि इसको ही भगवान मानना। यस, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य या सनातन सत्य क्या है? दुनिया जो बनी है वो 6 सनातन तत्वों से बनी है, होल यूनिवर्स 6 तत्वों से, और वो भी सनातन, कभी उस उत्पत्ति और नाश नहीं होता है, उससे ये सृष्टि बनी हुई है। और उसको जानना, इसको जानना, पहले इसको जानना, वो यूनिवर्सल ट्रुथ का बेस हो गया। इसके बाहर दुनिया नहीं है, इसके बाहर हमारा जीवन नहीं है, इसके बाहर एक भी संजोग नहीं है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और 6 तत्व कौन सा है, बाद में मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा, मगर 6 तत्व तो पहले बोल दूं, फिर 6 तत्व को समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। तो 6 तत्व हैं, एक चेतन तत्व,
दूसरा है जड़ तत्व, चेतन का मतलब आत्मा, जड़ का मतलब ये पांचों इंद्रियों से जो अनुभव में आता है सब जड़ है, ये भी जड़ है, और बाकी सब दिखता है वो भी क्या है, चेतन दिखता नहीं है, दिखता है वो चेतन नहीं होता है, इसके अंदर हो सकता है वो नहीं हो सकता है, ये जड़ है और इसीलिए उसको जला दिया जाता है, चेतन कभी जलाया नहीं जाता है, तो वो चेतन है मगर वो दिखता नहीं है, मगर वो दिखता नहीं है, तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए, मैं कहूंगा ये जड़ है, तुरंत मालूम होना चाहिए कि मैं चेतन की बात नहीं करता हूँ, ये आपके दिमाग में इतना तो नॉलेज होना चाहिए, जब मैं कहूंगा कि ये जड़ है, नहीं नहीं ये तो चेतन है, मतलब आप समझे नहीं, फिर मैं कहूंगा कि इसको जलाते हैं, तो बोला हाँ वो तो जलाते हैं, तो चेतन जलता है, तो बोला नहीं जलता है, फिर बाद में कहेंगे ना तो अंदर होता है, तो नहीं समझ में आया, मतलब आपको स्टेप लेना पड़ा फिर मेरे को आगे समझाने का, एनीवे तो एक चेतन है, दूसरा जड़ है, और ये भी दिखता है पांचों इंद्रियों से, वो भी क्या है, जड़ है, ये दूसरा तत्व। तीसरा तत्व है गति सहायक, मोशन, क्या है, गति सहायक, कोई भी व्यक्ति बिना गति नहीं जी सकती है, जी सकती है, ब्रीदिंग लेना वो भी क्या है, मोशन है, ब्रीदिंग लेना, फूड लेना, ये डाइजेस्टिंग प्रोसेस, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या है, गति सहायक है, हम चलेंगे वो भी क्या है, हम हाथ हिलाएंगे वो भी क्या है, हम आंखें हिलाएंगे वो भी क्या है, गति सहायक यानी मोशन, ये तत्व है, क्या है, और ये तत्वों की अवस्था है, तत्व परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है, मगर तत्व परमानेंट है, बिना तत्व अवस्था होती नहीं है, जैसे बिना चेतन कोई व्यक्ति जन्म ले सकता है नहीं, ऐसे तो बिना तत्व को हिल सकता है नहीं, तो तत्व परमानेंट यानी अवस्था टेम्पररी, ऐसे स्थिति सहायक स्टेबिलिटी, जैसे हम बैठे हैं, जैसे ऑर्गन है, जैसे ये जहाँ रखी है, तो इसी सहायक है, इसको मूव करेंगे तो गति सहायक, ये गाड़ी बाहर खड़ी है वो स्थिति सहायक है, चलाओगे तो, हम बैठे हैं तो स्थिति सहायक, चलेंगे तो गति सहायक, मगर दोनों तत्व है, अवस्था टेम्पररी मगर तत्व परमानेंट है, तो गति सहायक स्थिति सहायक। फिर पांचवा समय तत्व, टाइम, कोई भी अवस्था टाइम के बिना हो सकती है, ठीक है, और लास्ट है स्पेस, कोई भी अवस्था स्पेस के बिना हो सकती है, कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति स्पेस के बिना जी सकता है नहीं जी सकता, तो ये छह सनातन तत्व है, इसमें धर्म संप्रदाय गुरु भगवान क्रियाकांड शास्त्र बीच में नहीं आता है, आता है नहीं आता, बस, और मैं इसके बेस पर बात करता हूँ। अब जैसे कुछ चीजें जो आप बता रहे हैं उसमें मुझे इंटरेस्ट आएगा, आप सब लोगों को इंटरेस्ट आएगा, लेकिन एक एज ग्रुप होता है जैसे बच्चे हैं जो सनातन सत्य है, वहां तक पहुँचने के लिए स्टेप तो चढ़ने पड़ेंगे, तो वो स्टेप्स क्या रहते हैं? कहने का मतलब ये कि पहले बेस तो जानना पड़ेगा। हाँ, तो क्या उसका जो भी आप बता रहे हैं उसका मोटो क्या है और किस बेस पे बता रहे हैं एंड एट लास्ट उसका लक्ष्य क्या रहेगा? पहले लक्ष्य तो ये है खुद को खुद की पहचान करना, हु एम आई, ये मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसको जला दिया जाएगा और माता ने उसको जन्म दिया है, फिर उसको जला दिया जाएगा और मैं जलने वाला नहीं हूँ, तभी रीबर्थ है, ठीक है, तो मतलब ये मैं नहीं हूँ और मैं हूँ वो जलने वाला नहीं हूँ, तो इसको पहचान करना ये उसका मोटो है, ये होते हुए भी पहचान उसके करनी है। आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये ऊपर का जो जामा दिया हुआ है, किराए का मकान है, जलना है, सब कुछ सब जानते हैं, okay. हर इंसान जानता है, ऑलमोस्ट काफी लोग जानते हैं, जानकर भी मानते नहीं कि हाँ भाई पता है ये आत्मा, लेकिन संसार में रह रहे हैं तो संसार से एकदम निर्विकार या एकदम अलग तो रह नहीं सकते। आफ्टरऑल जैसे एक कमल मिलता है, एक सरोवर का कमल है और एक कीचड़ का कमल है, दोनों में फर्क होता है, सरोवर का कमल हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन कीचड़ के कमल को पाने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा, तो जो हम लोग संसार में बैठे हैं, संसार से निर्विकार तो हो नहीं सकते, तो संसार में रहकर इतना डेप्थ में जाकर अपने आप को ये मान लेना कि मैं आत्मा हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, करने दो जिसको जो करना है वो करने दो, मैं तो आत्मा हूँ, हाउ कैन इट पॉसिबल। बस यही बात है और यही हमारे सोच की कमजोरी है, हमारे सोच एक हमारे ही सोच की यह कमजोरी है, क्योंकि हम सब मानते हैं और जानते हैं, पढ़ा भी है और सुना भी है और स्वीकार भी किया है कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। सुना है ऐसा? नहीं, अनंत शक्ति तो मैं तो मैं अपने आप को आज मुझे कोई पूछेगा कि आप कौन है, एक साधारण सा प्रश्न है और उसका साधारण सा उत्तर मैं उसको दूंगी कि मैं निधि मेहता हूँ। ओके, बराबर है। फिर अगर जहाँ पर थोड़ा आध्यात्मिक बात होती है या अपने आप के लिए बात होती है, अब जैसे आपने कहा आप जीते क्यों हो, तो मैं तो एक साधारण मनुष्य मानती हूँ अपने आप को और मैं ये कहती हूँ कि मैं अपने आप के लिए जीती हूँ। आज अगर मैं अपने बेटी का लालन पोषण करती हूँ तो वो भी मैं अपने आप के लिए करती हूँ। आज मैं घर के जो गृह कार्य कर रही हूँ वो अपने आप के लिए कर रही हूँ। मैं बाहर जाकर अगर कुछ करती हूँ तो वो भी मैं अपने आप के लिए करती हूँ, क्योंकि उसमें मुझको सेटिस्फेक्शन होता है। ओके, लेकिन सर बात यहाँ पर आती है कि आत्मा है, हम आत्मा है, आत्मा है, तो बस वही है कि यहाँ पर रहकर ये हर पल प्रतिपल ये कैसे अपन लेके चले कहने में तो आत्मा ही है। वही बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हम आज भी व्यवहार धर्म से बिल्कुल शांति से सुनना, मैं कहूँगा प्रश्न करना तभी करना, हम आज भी व्यवहार धर्म से जिसको भी भगवान मानते हैं वो सभी भगवान संसार में ही थे और इसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, और वही संसार में रह के वो भगवान बने वो भी आज हम मानते हैं, लड़ैया लड़ते, रानियों के साथ रह के राजपाट की भुगतान करते भी वो भगवान है ऐसा हम मानते हैं, बराबर है, और उसके जीवन के आगे हमारा बाह्य जीवन कुछ भी नहीं है। तो हम अपने आप को इतना भारी बना के ऐसे भारी संजोगों में वो खुद की पहचान कर पाए तो हम नॉर्मल संजोगों में क्यों नहीं कर पाए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। व्हाई यू थिंक द नेगेटिव? राम को कितना कष्ट था, कृष्ण को कितना कष्ट था, महावीर को कितना कष्ट था, वो आपको मालूम है, और उसमें से 1% कष्ट भी सोशल लाइफ की बात करता हूं वो आपको नहीं है, बराबर है, और फिर भी कहते हैं एक नहीं बोलना नहीं, मैं आपको मौका दूंगा प्रश्न करने का। तो हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, यही तो हमारी कमजोरी है। मैं कहता हूं फिजिकली आप देखो, फिजिकली का मतलब आप प्रमाण से देखो, कोई भी कॉमन सेंस वाले व्यक्ति कहेंगे कि हमारे से बहुत तकलीफ तो उनको थी, राम को थी, कृष्ण को थी, महावीर को थी, हमारे से बड़ा संसार तो राम का था, कृष्ण का था, महावीर का था, हमारे से बड़ा महल, नौकर चाकर, पूरे देश को संभालना, युद्ध करना, परिवार को संभालना, पूरी प्रजा को संभालना, ये जिम्मेदारी तो उनके पास थी, फिर भी उन्होंने खुद की अनुभूति किया। हम तो परिवार के 4 लोगों को संभाल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई देश नहीं है, कोई युद्ध करना नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि हम नहीं पहुंच सकते, ये हमारी मानसिकता कमजोर है, ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, और मैं कहता हूं, मैं लोगों को जगाना चाहता हूं कि यू आर सुपरमैन, ये मैं जगाने के लिए आया हूं। जो राम थे, कृष्ण थे, महावीर थे, वही ताकत आपके अंदर पड़ी हुई है, मैं उसको ओपन करने के लिए आया हूं, क्रिएट करने के लिए नहीं आया हूं, है क्या करने के लिए आया हूं, ओपन करने के लिए, आई एम नॉट क्रिएटर, यू हैव इट, ओपन इट विथ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्यों अपने आप को कमजोर मान रहे हैं? शरीर कमजोर हो सकता है, आई एग्री विथ यू, संजोग हमको कमजोर बना सकते हैं, आई एग्री विथ यू, परमात्मा कमजोर है ये मानना मैं कभी नहीं स्वीकार करता हूं, और परमात्मा सबके अंदर इक्वल है, जो राम के अंदर था, कृष्ण के अंदर था, महावीर के अंदर था, वही परमात्मा हमारे सब में था। क्यों हम माने कि हम कमजोर हैं? संजोग तो हमारे से बड़े उनको आया था, वो क्यों नहीं माने कि हम कमजोर हैं? तो हम क्यों मानेंगे हम कमजोर हैं? नहीं समझ में आया? क्रिएट द कॉन्फिडेंस। मैं जो बात करता हूं उसमें बेस आत्मा है, बॉडी नहीं है, और इसलिए डोंट कंपेयर टू, मगर आपने जो प्रश्न किया बाह्य जीवन का, इसलिए मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा।
और बात को बताना पड़ेगा कि ऐसे भारी जीवन वाले भी खुद की पहचान कर पाए। नहीं, पहचान तो पल पल प्रति क्षण रहती है। हाँ, हम आत्मा हैं। कई जगह ऐसे मोमेंट्स भी आ जाते हैं आंखों के सामने कि जहाँ पर इंसान खुद को मजबूत बनाना पड़ता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। तो लेकिन हर वक्त ये सोचकर चलना कि मैं आत्मा हूँ, उद्देश्य क्या है इसका, यहाँ रहकर जैसे संसार में रह रहे, सारे सांसारिक कार्य कर रहे। आज मैं कोई पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करती कि वहाँ पर दीक्षित हो गए या मुंडित हो गए, उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि वो तो संसार वगैरह छोड़ लिया, उनके पास एक उद्देश्य मिल गया उनको अपनी आत्मा को सिद्ध करने का या उस सत्य को प्राप्त करने का। लेकिन यहाँ पर रह रहे हैं हम लोग, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। स्टाम्प पेपर पे लिख के दे देती हूँ कि मैं इस संसार से अभी बाहर या कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। तो इस संसार में रहकर हर वक्त ये सोचकर चलना कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा इसका उद्देश्य क्या, मुझे क्या मिलेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आप मेरा 100 सत्संग सुन के आओगे तो भी मैं कभी एक बार नहीं बोला हूँ कि आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, ये मेरे प्रवचन में नहीं आता है। नहीं, और आपका प्रश्न उसके बेस पर है। नहीं, मैं तो संसार छोड़ना भी नहीं चाहती। नहीं, आपने कहा मैं नहीं छोड़ सकता, स्टैम्प पेपर लिख दूं और मैं बात भी नहीं करता हूँ, तो क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। जो आपका प्रश्न है वो बेस क्यों रहेगा, क्योंकि मैं बात नहीं करता। आपका प्रश्न है वो मेरा सत्संग नहीं है। मैंने अभी भी आपके सामने एक बार वैसा बोला कि आपको संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार छोड़ने की बात मैं नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि संसार में रहकर सारे सांसारिक कार्य करते हुए, क्योंकि संसार में रहकर जो राम कृष्ण जो भी हुए, बोलिए बोलिए मैं सुनता हूँ शांति से, उनकी जो आत्मा थी या उनके जो विचार थे या उनका शरीर कह दो, जैसी परिस्थितियाँ थी उसके लिए वो अवेलेबल थे। ये तो वो महान शक्तिवान थे, ये सभी जानते हैं। और आत्मा कुछ शक्तियाँ लेकर आती हैं, ये भी जानते हैं। तो कुछ शक्तियाँ होती हैं उनके पास, उनको पता होता है कि ये होना है और इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि हाँ ये होना है, उसके लिए या तो हम नेगेटिव एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ज्योतिष के पास चली गई, मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ज्योतिष कहता है कि यह एग्ज़ाम आपका नेगेटिव हो सकता है। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको नेगेटिवली लेती हूँ या पॉजिटिवली। अगर मैं उसको नेगेटिवली ले लूँगी कि यार चलो फेल तो होनी है, ठीक है होता है जैसा हो जाएगा, अगर मैं उसको पॉजिटिवली के यार फेल तो होना हो सकता है, थोड़ी और मेहनत कर लूँ तो शायद मैं पास हो जाऊँगी, तो वो चीज़ हो जाती है। ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगी तो मैं वो क्वेश्चन, क्योंकि आपके सामने मेरा नॉलेज तो बहुत लो लेवल। नहीं, मैं तो सुनता हूँ शांति से। नहीं नहीं, मैं ज़्यादा डेप्थ में चली गई तो मैं अपने प्रॉपर विषय से जाऊँगी, क्योंकि आप तो अपने पॉइंट पर रहेंगे लेकिन मैं मेरे पास तो प्रिंसिपल है, मेरे को तो एक लाइन बोलना है। तो मेरे को बस वही है कि कैसे हम सब लोग, ईच एंड एवरी वन, कैसे ये मान के चले कि हम प्रतिपल ये सोच के चले कि आत्मा है। हम जब पैदा हुए तब से हमको नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम, कि आपका नाम ये है। और पैदा होने के बाद अभी तक हम कभी अपने नींद में भी हमारा नाम भूले नहीं। हालांकि ये शरीर का नाम है, मेरा नाम फिर भी भूले, वो तो ट्रू है। और बाद में हमको बचपन से ज्ञान भी मिला है, चाहे किताबों से कहो, चाहे धर्मगुरुओं से कहो, चाहे एक्स वाई जेड जगह से कहो, मगर हमको ज्ञान भी मिला है कि मैं आत्मा भी हूँ, यानी शरीर से मुक्त हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, ऐसा ज्ञान भी मेरे को बचपन से मिला है। मतलब जहाँ तक मैं समझता हुआ तब से मिला है, ज्ञान पहले से मिला होगा मगर समझ नहीं थी, मगर 8, 10, 12, 15 साल की उम्र में समझ में आ गया, मैं तो मालूम हो गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं चेतन हूँ। ये ज्ञान भी मिला है और ये ज्ञान भी मिला है कि ये इसका नाम चंदूलाल है, ये ज्ञान भी मिला है और ये ज्ञान भी मिला है। ठीक है, अभी मैं चंदूलाल हूँ वो भूलता नहीं हूँ, और आत्मा हूँ वो याद नहीं रहता है। बताइए, दोनों ज्ञान मैंने बाहर से मिला है। नाम
नहीं, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ आपको, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये याद रहता है याद नहीं रहता है, कमजोरी कहाँ है आपको ढूंढना है, दोनों दिया हुआ है, नाम भी हमने क्रिएट नहीं किया है मगर कभी भूलते नहीं है, और आत्मा आत्मा का ज्ञान भी किसी ने दिया हुआ है जो हमने माना है मगर वो भूल जाते हैं, इसके पीछे राज क्या है वो हमको समझना पड़ेगा, वो हमको प्रश्न ये नहीं है कि हम अपने सांसारिक जीवन में हैं, ये सब एक्सक्यूज है, जो भी होता है वो श्वास चलता है वहां तक ही आप या तो अज्ञानी रह सकते हो या तो ज्ञानी बन सकते हो, बिना श्वास ज्ञानी भी नहीं हो अज्ञानी भी नहीं हो, मुर्दा है right. और प्रश्न ये नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रॉब्लम तो हमारे से ज्यादा पांडवों कौरव को राम को कृष्ण को हुआ था, हमारे से कहीं गुना ज्यादा, और इसीलिए डोंट कंपेयर विद द प्रॉब्लम्स विद हेम एंड अवर्स, स्टिल भी वो आत्मा में रहे और हम नहीं रह सकते हैं, यही हमारी कमजोरी है, और कौन सी कमजोरी है, क्योंकि हम खुद को बिलीव नहीं करते हैं इनको बिलीव करते हैं, वो खुद को बिलीव करते थे इनको बिलीव नहीं करते थे, इनको कर्मों का खेल मानते थे, मतलब कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो उसके हाथ में, राम को वनवास जाना पड़ा, राम के हाथ में नहीं था, सीता जी उठा के ले गए, सीता राम के हाथ में नहीं था, युद्ध करना पड़ा उनके हाथ में नहीं था, उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया, तो वो इसकी वैल्यू नहीं करते क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, क्या नहीं करते, वैल्यू किस करते हैं, जो मेरे हाथ में है, जो मैं खुद हूँ, तो हर अवस्था के अंदर सुख और दुख के वैल्यू किसी करते थे, आई एम प्योर से, क्योंकि मैं वो हूँ, कोई भी अवस्था में इसकी मृत्यु भी हो जाएगी पर आई एम प्योर सोल, यस और नो, यस, तो वैल्यू उसकी करेंगे तो याद क्या रहेगा, और वैल्यू उसी करेंगे तो बस बस बात एक ही है, अगर आप इसकी वैल्यू करते रहोगे जीवन की तो वही याद रहेगा, जीवन की वैल्यू कम करने का मतलब होता है जीवन का कोई रोल नहीं, ऐसा नहीं, वैल्यू का मतलब होता है कि आखिर मैं ड्रामा कर रहा हूं, जैसे किसी को कहा कि आपको सीता का रोल करना है आपको राम का रोल करना है, एग्जांपल देता हूं, और आपको एक महीना प्रैक्टिस करवा दिया कि क्या एक्शन करना है क्या बोलना है क्या एक्सप्रेशन देना है सब कुछ सिखा दिया एक महीने में, अभी आप ड्रामा कर रहे हो सीता का और राम का, लोग देखने वाले दंग हो जाते हैं, यह सुन लो अगर आप सही तरह करते हैं तो, मगर आपको हर समय मालूम है कि मैं राम और सीता नहीं हूं, वाय क्योंकि क्योंकि That's it. The life is only decided drama as per our previous birth cause. मगर उसको मानते हैं मैं करता हूँ वो क्या होता है ड्रामा और डिसाइडेड ड्रामा है, कल क्या होगा वो नहीं मालूम हमको बिकॉज डिसाइडेड, और जो होगा डिसाइडेड वही होने वाला है मगर हमको नहीं मालूम, आप समझे, मगर इस ड्रामा को हम सच्चा मानते हैं, बस यही अज्ञानता, और इसीलिए जो सच्चाई है रियलिटी है फैक्ट है वहां ध्यान, और ड्रामा में ध्यान जाता है, और खुद को अगर मैं राम बन जाऊं राम का ड्रामा करने दे तो फिर क्या होगा, घर जाऊंगा तो बोला तुम राम हो तो जाओ सीता के पास मेरे पास मत आओ, कहेगा कि नहीं कहेगा, बोलते नहीं है, आपको घर पे आना है तो पति बोलना पड़ेगा राम नहीं बोलना पड़ेगा, यही बात है कि तुम ड्रामा कोई भी करो, पति हो पत्नी हो माँ हो बहन हो कुछ भी हो, ये सब ड्रामा है, और मैं ये ड्रामा से मुक्त हूं, ये बात आपको आज नहीं तो कल समझनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामा ही टेम्पररी होता है, परमात्मा टेम्पररी नहीं होता है, और परमात्मा को ड्रामा भी नहीं होता है, ड्रामा इसको होता है जो टेम्पररी होता है, जो परमानेंट होता है इसको ड्रामा नहीं होता है, द सोल इज परमानेंट एंड बॉडी एंड सरकमस्टेंसेस ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज टेम्पररी एंड इट इज नॉट डिपेंड ऑन अवर टूडे थॉट्स, इट इज हैज पर अवर प्रीवियस बर्थ कॉज, इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल, कंट्रोल नहीं है मतलब ड्रामा,
यू हैव टू डू विदाउट चॉइस. हम जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते हैं. नहीं सोचना चाहते हैं बिचाराते हैं. हम बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते हैं, और नहीं बोलना चाहते निकल जाते हैं. हम करना चाहते नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते करना पड़ता है. ये नहीं समझ में आता है कि ये ड्रामा है, फिक्स ड्रामा, नो चॉइस. तो ड्रामा को ड्रामा समझने में क्या तकलीफ है? लाइफ इज अ फुल ऑफ ड्रामा. यू हैव टू प्ले द डिफरेंट रोल विद डिफरेंट पर्सन. संसारी आदमी को ड्रामा को तो हकीकत समझ लिया है, हकीकत को ड्रामा समझ वही तो बात है, वही तो बात है. जब राम और सीता का ड्रामा किया 3 घंटा, और जब बाहर निकले तो राम ने सीता को हाथ पकड़ा तो सीता ने चप्पल मारी. नहीं समझ में आया अभी? बोला तुम तो बहुत प्यार करते थे अंदर, तो वो ड्रामा था. आपने सही माना, वो आपकी गलती है. और दुनिया भी यही कहती है, कुदरत भी यही कहती है कि तुम बाप बने, बेटा बने, बेटी बने, जो भी बने, वो ड्रामा था. अभी आपका स्वास्थ्य बंद हो गया है, एंड ऑफ द ड्रामा. डोंट कैरी फॉरवर्ड दिस रिलेशन इन अ प्रीवियस बर्थ बिकॉज द एंड ऑफ द ड्रामा. यू हैव टू एक्सेप्ट, यस और नो. दुनिया में तो 3 घंटे का ड्रामा होता है, और जीवन में 3 अवस्था का ड्रामा है, बचपन, युवानी और बुढ़ापा. ये 3 अवस्था का ड्रामा है, और हमको स्वीकार करने पड़ेगा कि जब बचपन चला गया तो युवानी में बचपन नहीं आएगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो युवानी नहीं आएगी, क्योंकि ड्रामा का एंड हो गया है. और एंड होता है, वापस नहीं आता है. आज नहीं तो कल हमको स्वीकार करना पड़ेगा. ये सनातन सत्य है, ये धार्मिक सत्य नहीं है. और दुनिया चलती है धार्मिक सत्य से, और दुनिया समाप्त होती है हर व्यक्ति की सनातन सत्य से. और सनातन सत्य समझोगे तभी राग द्वेष नहीं होगा, नहीं तो राग द्वेष के अलावा कोई चांसेस भी नहीं है. राग द्वेष तो होता ही रहेगा, क्योंकि आप ड्रामा नहीं मानते हो, हकीकत मानते हो, तभी तो राग द्वेष हो गए. ड्रामा मानोगे तो राग द्वेष नहीं होगे. बात यही है, वास्तविकता आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेगी. नहीं समझ में आया? और इसीलिए कहते हैं, फिर आपका प्रश्न था कि भाई मैं आत्मा हूं वो जानने से क्या फर्क होता है, इसे क्या मिलेगा? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? मैं यही कहता हूं कि अगर मैं नामदारी हूं वो मानने से क्या मिलता है? आखिर जो मिला है वो सब कुछ छोड़ना है. यस और नो? तो यहाँ क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? तो उनको छोड़ना है वो भी फिक्स है कि नहीं? छोड़ना है वो फिक्स है कि नहीं? तो वो तो दिख ही रहा है, आगे मृत्यु दिख नहीं रहा है. अगर आज, अगर आज 14 नवंबर 2019 है, बराबर है, और 13 नवंबर 2019, और उससे पहले की जितनी भी तारीख हो चुकी है उस तारीखों के लिए हम मर चुके हैं, यस और नो? बस कल आप कहोगे 14 के लिए मर गए, तो व्हाट यू अचीव? क्या पाया आपने? बात वही, घूम घूम के वही. मैंने कहा ना मेरे पास हर उत्तर है, क्योंकि साइंटिफिक भी सब. आपने कह दिया आत्मा को पाओ, आत्मा है भाई, शरीर को छोड़ना इसको भी. नहीं, उसका उत्तर दिया ना मगर. आत्मा को मैं ये कहूँ, इस आत्मा को मेरे अंदर से कैसे पाऊँ, आत्मा को कैसे जगाऊँ, ये बताओ मेरे को. वही मेरे हिसाब से आप जो बता रहे वो है, हम मतलब हम लोगों के लिए आठवां आसमान. नहीं, आठवां आसमान वो स्टेप कैसे चल रहा है? नहीं भाई, तो ये कैसे, मैं आत्मा को कैसे पाऊं? मुझे तो ये बताओ, मैं आत्मा को कैसे पाऊं? मुझे बहुत जागृति, मुझे जिज्ञासा है, जगह नहीं है मेरे को, वो कैसे पाऊं? सब समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा. आप बता दो मेरे को, वैराग्य लेना है, दीक्षा लेनी है, तो मैं ले लूंगी. ये क्वेश्चन इनका ही बोल रहे थे, मैंने आपसे बोला था ना कल. तो इसीलिए दीक्षा लेनी है, तो दीक्षा तो अज्ञान का लेना है, बस संसार से लेनी. मैं तो कहते नहीं मैं दीक्षा लूंगा या नहीं लूंगा, जो
क्वेश्चन नहीं, मैं जब तक मेरी खोज को मैं पक्का नहीं कर दूँ, जब तक कोई उस चीज को करने के लिए जो आप चीज कही हो मैं प्रैक्टिकल चलता हूँ। ज्ञान की बात है, उसने कहा भाई जीव के नौ तत्व है, अज्ञानता है, गुण किसे कहते हैं, अगुण किसे कहते हैं, गुण स्थान किसे हैं, ये सब किताबों की बात है। प्रैक्टिकल मुझे अब आप जैसे कह रहे हो कि आत्मा, तो आत्मा को मैं कैसे प्राप्त करूँ, उसके लिए वो कौन सी चीज करूँ जिससे मैं अपने आप को जान जाऊँ, मेरा प्रश्न नहीं है। सरल वही वही मैंने बात करने की अभी तक कोशिश किया है, मगर लोगों को क्या लगता है आपका प्रश्न कैसा है कि भी ये मेरा बच्चा 5 साल का है, अभी उसको डॉक्टर बनना है, कैसे बन सकते हैं बताओ, ये बच्चे को डॉक्टर बनना है अभी कैसे बन सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। अभी बनना है उसको, आपका ये प्रश्न है अभी कैसे बनेगा, तो आपको कि मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, इसीलिए मैंने कहा 6 तत्व पहले समझाने की मैंने कोशिश किया, वो पहला स्टेप, जड़ चेतन गति सहायक स्थिति सहायक टाइम एंड स्पेस, स्थिति नहीं आती है, स्थिति नहीं, टाइम है, कार बाहर खड़ी है, वो स्थिति में गति में नहीं, उसको चलाएंगे तो वो गति होगी, वो आसमान पर गति सहायक, हां गति है, गति वाला, तो आपको आपको इसीलिए मैंने कहा कि जिस प्रकार से हम कितने वर्षों से, अवतारों की बात छोड़ दो, इस अवतार में कितने वर्षों से कितने लोगों के पास हमने धार्मिक प्रवचनों को सुना, अभी तक हजारों अवतार को हमने बिताया, ठीक है, कभी ये नहीं किया कि अभी हमको बताओ कि हम मोक्ष में कैसे जाएंगे, और जो भी आया वो सुनते ही रहे सुनते ही रहे सुनते ही रहे, क्योंकि प्रश्न करने का मौका नहीं होता है, और हमको समझ में नहीं आता है वो भी मालूम है, और समझ में आता है तो हम किसी को बता सकते हैं, मगर हम खुद अपना नहीं सकते हैं, तो कहने का मतलब अंधेरे में हमने इतना समय बिता चुके हैं, और वहां प्रश्न करने का मौका भी नहीं मिलता है आपको, और फिर भी वहां हम आनंद से जा रहे हैं विदाउट क्वेश्चन एंड विदाउट कंप्लेन, कई वर्षों से, अगर मैं गीता सुनता हूँ 5 साल की उम्र में तो 95 ईयर्स में भी यही गीता सुनता हूँ, एंड नो क्वेश्चन एंड नो कंप्लेन, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्ट नहीं चलता है ना, नहीं आप जैसे तर्क करेंगे उनसे, जैसे आपके प्रश्न भी आ रहा हूँ, जैसे मैं ज्ञानी पुरुष के हमेशा जा रहा हूँ, ज्ञानी पुरुष के पास अगर मैं उनसे तर्क करता हूँ तो मुझे सीखा जाता है कि विनीत आदमी से तर्क नहीं करना, श्रद्धा में रहना, वो मेरे से होता नहीं है, फिर भी जाते रहे थे अभी तक, फिर भी अभी तक जाते रहे, जाता नहीं रहता हूँ मैं तो, मेरे खोज में जाता हूँ, मैं तो आपके पास ही आया उनके पास ही आया, मुझे कहाँ मिलेगी, किससे संतुष्टि किसे नहीं मिलेगी, मेरे अपने आप से मिलेगी, मेरे अंदर से मिलेगी, कि मुझे इसको जगाना है, मुझे सब जाके ही मैंने यही सोचा है खुद को अंदर को जगाना है, ये सबसे बड़ा शक्ति है, इसलिए जगाना कैसे, इसलिए मैं क्या करूँ, मेरा पास नहीं, और इसीलिए मैंने कहा हर बात के लिए धीरज रखना पड़ता है, समय देना पड़ता है, इंटरेस्ट रखना पड़ता है, और इसीलिए कोई व्यक्ति चमत्कार की बात नहीं कर सकते हैं, महावीर भी अपने धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, एक मिनट अभी सुनो, अभी आपने जो इतना वक्तव्य दिया है प्रश्न किया तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना, वो चॉइस नहीं है, मैंने आपका सुना तो आपको चॉइस नहीं है, फिर सुनना पड़ेगा, स्वीकारना ना स्वीकारना आपकी मर्जी है, मगर सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपकी बात सुनी, बोले टेढ़ी मेढ़ी की उल्टी सुल्टी की मैंने सुना, और इसीलिए मैंने कहा कि राम भी अपनी धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, और महावीर भी अपनी धर्म पत्नी को मोक्ष में नहीं ले जा सके, अगर कैपेसिटी होती तो वो ले जाते, ये कुदरत का कानून नहीं है, जिसको जाना है उसको खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और पुरुषार्थ करने के लिए जो पुरुषार्थ बताने वाला व्यक्ति होगा उसके पास जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर बनना है तो हमको साल में 300 बार स्कूल में जाना पड़ेगा, फिर 300 बार, फिर ऐसा 15 साल 25 साल करना पड़ेगा, तो धीरज तो रखनी पड़ेगी,
डॉक्टर बनने के लिए भी, और आप कहोगे कि आत्मा को आज बता दो हो जाएगा, ऐसा चमत्कार मैं नहीं समझता दुनिया का कोई टीचर बता सकते हैं कि आप आज आए 5 साल के हैं मैं डॉक्टर तक आपको बढ़ा दूं क्योंकि मेरी कैपेसिटी है, ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मैं आज कहूँगा फिर उसको डाइजेस्ट करो, फिर प्रश्न करोगे, फिर डाइजेस्ट करो, फिर प्रश्न करोगे, तभी मैं बता सकता हूँ और आप डाइजेस्ट कर सकते हो। मैं पूरा बता दूंगा तो बाल बंद से लेकर डॉक्टर का बता दिया, बोला आपने तो बहुत बोला, हमको समझ में आना चाहिए ना, मगर मैं कहता हूँ नहीं समझ में आता है इसलिए थोड़ी करता हूँ, तो मांग कर रहे हो, मैं देता नहीं, क्यों नहीं देता हूँ, मेरे को मालूम है व्हाट्स योर कैपेसिटी, ये मेरी मिस्टेक होगी देखा मैं तो आपकी नहीं है। आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हैं एट ए टाइम फर्स्ट मीटिंग वो मैं जानता हूँ, आप नहीं जाने या ना जाने वो आपकी बात है, मेरे को समझना पड़ेगा ना, मैं ज्यादा दूंगा तो फिर क्या कहेंगे ये बोर हो गए इतनी सारी बात बताई अभी याद भी नहीं रहती है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है ना, तो दिस इज माय मिस्टेक नॉट योर मिस्टेक। हमको समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेसिटी जो है वो बताऊंगा, उसमें फिर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसी में डीप में जाओ, आगे जाओ, अनुभव करो, फिर प्रश्न करो, फिर उसका उत्तर लो, फिर आगे जाओ, फिर प्रश्न करो, फिर आगे जाओ, मगर एक बार सब बोल दूंगा और कल से आप शुरू कर दोगे, पहुंच जाओगे, इतनी कैपेसिटी रामकृष्ण माहौल में तो नहीं थी और मेरे में भी नहीं है, तो प्रश्न ये है नहीं, सिंपल बात है, ये हैव टू डाइजेस्ट स्लोली एंड स्लोली विथ योर ओन इंटरेस्ट, आप समझे। हमको धर्मों को समझने के लिए भी 40-50-60 साल बिताए, फिर भी धर्मों को हम समझ नहीं सके, वो सबका अनुभव है। और हम आध्यात्म विज्ञान की बात करें, आप कहोगे कि 2 घंटे में सब समझा दो, तो मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इसीलिए हर बात के लिए एक एक करके आप प्रश्न करोगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप का, लास्ट क्वेश्चन कर दो कि भी आत्मा का अनुभव करवा दो, तो एक प्रश्न नहीं होता है, आप समझे ना। स्टेप कहो कि पहले आपने 6 तत्वों को समझाया, अभी आगे हमको और क्या समझना चाहिए, या तो उनमें जो कोई प्रश्न उठता है वो बताओ, फिर आगे का प्रश्न करो, तो उसको लिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां बताया फिर लास्ट बोला अभी क्यों ज्ञान कब होगा, तो मैं क्या कहूंगा, यू फॉलो थ्रू द प्रोसेस। मैंने पहले भी कहा इंपॉर्टेंट थिंग इज अ प्रोसेस नॉट आंसर, मैंने पहले भी कहा प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट आंसर इज नॉट, और रेडीमेड आंसर किताबों में है ही, मगर वो नहीं समझ में आता है तभी तो हमारे पास आते हैं, आंसर तो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं नहीं है, मगर प्रोसेस नहीं है और इसीलिए सॉल्यूशन नहीं है, मानना पड़ता है। कोई प्रश्न करेंगे तो बोला हमको मालूम नहीं किताब में लिखा है, तो यही तो आंसर है हमारे पास, हर बात की प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस तब होगी जब व्यक्ति को खुद को रियलाइजेशन है, तभी वो प्रोसेस बता सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस किया है, क्या किया है तभी वो बता सकते हैं, जो कैसे बताएंगे, जो किताबों में नहीं वो कैसे बताएंगे। तो हर बात के लिए प्रोसेस चाहिए, और प्रोसेस करोगे तो एक एक करके बात आप समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्टेप चाहिए, क्या चाहिए, हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर छोड़ेंगे तो फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लास्ट स्टेप पे जाएंगे, देखते हैं कि लास्ट स्टेप तो ऊपर है 15वां स्टेप है, फिर फर्स्ट को छोड़ेंगे तो सेकंड पे जाएंगे, देखते हैं क्या ऊपर को, मगर प्रोसेस क्या होती है स्टेप बाय स्टेप। ऐसा हमको लक्ष्य में होना चाहिए कि आत्मा अनुभव करना है, ये हमारा गोल है, मगर गोल की प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अभी आपने 6 तत्वों की बात किया, फिर उसके आगे क्या समझना चाहिए, फिर आगे गाय क्या, तो उसको कहते हैं प्रोसेस। अल्टीमेट बोल दोगे ये प्रोसेस नहीं, जंप लगाना है आपको, तो हमको समझ में आना चाहिए, साइंस में स्टेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा तो मैंने कहा नहीं कि आपने जो प्रश्न किया अच्छा हुआ, ताकि मेरे को उत्तर देने का मौका मिले, मेरे पास तो उत्तर है, मैं प्रश्न नहीं करूँगी, भूख नहीं है, खाना है लूँगी, क्या मतलब है। ये बात है, इनका कहने का मतलब है सर कि समय इतना चला गया जब तक हमें समझ नहीं थी, ओके, मेरे पास समय कम है, तो मैं इस चीज में मैं जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लूँ, वो भावना उनकी सही हो सकती है,
मगर हर बात के पीछे प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरत है। आप ऐसा कहो कि मैंने 60 साल तक पैसा नहीं कमाया है और अभी हमको ये रास्ता बताओ कि मैं 5 साल में कैसा कमा लूं, क्योंकि समय हमारा गवा चुका है। अभी आप क्या करोगे? तो वो कमा नहीं सकते, यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। बात आ गई जुड़ा हुआ, कोई भी जाऊँ को वो मेरी मेरी आस्था है, जहाँ भी जाता हूँ मेरी आस्था है, मेरे गुरु है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं उनसे सीखा ही है, जो भी सीखा है उनसे अच्छी बात सीखी है, कुछ अब मेरा अंधकार को करने की कमी चली है, क्रोध करने की कमी है, कुछ चीज़ें जो संसार में रहते हुए भी मैंने उनको छोड़ी है, जो नहीं चाहिए वो चीज़ सीखी है, तो मैं आई एम सेटिस्फाइड, मैं उनसे सहमत हूँ, परंतु फिर भी अभी तक ये चीज़ें जा नहीं रही है, कैसे इसको जाए, ये मेरे को अंदर की तड़प है बस, तो भाई अभी तक तो मेरे में खूब अवगुण पड़ेगा, समझे ना, कई अवगुण है आज, अभी मैं कहता हूँ क्रोध नहीं करूँ, और मेरे सामने एक आकर मेरे को 5 गाली दे देवे और उसमें मैं संभाव नहीं रखूँ, तो मेरे माँ मेरे का भी अभी तो है ना, मेरे दोस्त तो स्वयं के दोस्त हो, तो अभी मेरे में खुद मैं भरे हुए हैं उसके लिए वही तो मैं कहता हूँ, मतलब इतना तो आप एक्सेप्ट करते हो कि अभी तक जो भी ज्ञान पाया है, जिससे पाया है, वो ज्ञान इतना शक्तिशाली नहीं है कि मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इतना तो एक्सेप्ट करते हो? मेरी कमजोरी है, उनका ज्ञान तो शक्तिशाली, मतलब वो ज्ञान पावरफुल है, आप कमजोर हैं। मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ, वो उन्होंने थोड़ी कहा है। मैं वही कहना चाहता हूँ, जो वंस अगेन फिर आप विड्रॉ मत करना, ज्ञान पावरफुल है और मैं कमजोर हूँ, तो ज्ञान तो आपके पास है, मेरे पास कहाँ है ज्ञान, तो आप आ जाए विड्रॉ, उम्मीद है आप मेरे को दी, मैंने आपकी बात को समझ गया कि आपने जो बात कही है उस बात को मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छा है, परंतु मैं उस प्रोसेस में क्यों नहीं जी रहा हूँ, मुझे ये आ रही, आप कह रहे हो क्रोध नहीं करना, आप जो कह रहे हो मैं उसको मान रहा हूँ चीजें, परंतु जो प्रैक्टिकल में प्रोसेस में आ रही है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, उसका हो नहीं पा रहा है, मैं वो कह रहा हूँ आपको, मैंने कहा मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, आपने पहले कहा कि आप मेरे को ज्ञान दे दो कि मैं अभी तक भी जो ज्ञान पाया है और उसके उसमें आपने पहले आपके गुरु और ज्ञान की प्रशंसा किया, ठीक है, अभी सुनो आप, प्रशंसा किया हमने सब सुन लिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उसके बाद किया, फिर भी आपको आगे से जानना चाहता हूँ उसके आगे कि अभी तक इतना ज्ञान पाने के बाद भी मेरे अंदर गुस्सा है, वो आपने एग्जाम्पल दिया, वो अभी क्यों नहीं निकलता है, ये आपने प्रश्न किया, और प्रश्न के बाद में मैंने आपको उत्तर दिया कि आपने जो ज्ञान जिससे भी जाना है क्या वो सक्षम नहीं है, क्या आपकी कमजोरी निकाल है, अगर वो सक्षम है तो और ज्ञान जानने की जरूरत है, ये मेरा प्रश्न है, वो सक्षम है, वो मेरे को कहते हैं कि ये चीज तेरे को गलत हो रही है, वो तो कह रहे हैं मेरे को ना, वो मेरे को कह रहे हैं, अभी आप समझे नहीं, अभी आप बात ही नहीं समझे, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कुछ समझे, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कहता हूं, मेरे को बहुत समझा रहे हो, तुम संभाव रहे, तेरे क्रोध है, तू कम कर दे, आप मेरे को कह रहे हो अभी आप जो चीज समझाते हो, आपका जो धर्म है यही समझाता है कि सब हमें का आदमी को सरल बनना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट आपका यही है कि आदमी को सरल रहना चाहिए, कभी सरलता नहीं आई जब तक, तो क्या मतलब, जब इतना कुछ सुना आपने, आपसे इतनी चीज सुनी और मेरे में सरलता नहीं आई, तो ये किसकी, मेरे कर्म के उदय की है कमजोरी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तो बात समझनी पड़ेगी अपने को कि हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि मेरे पास जो भी अभी एग्जाम्पल के तौर पर 10 लाख रुपये आया है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैं 10 लाख की चीज़ खरीद सकता हूँ, यह कैपेसिटी 10 लाख रुपया में है, अभी मैं 10 लाख में से 500 उपयोग करता हूँ, 5000 उपयोग करता हूँ, 25000 उपयोग करता हूँ, ये कोई बात नहीं है, मगर मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 10 लाख, ठीक है, अभी मैं 10 लाख उपयोग नहीं कर सकता हूँ और इसका मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता है, मगर कैपेसिटी तो है कि नहीं, ऐसे यहाँ 10 लाख रुपया की बात का, यहाँ मैं ज्ञान की बात करता हूँ कि आपके पास ज्ञान इस लेवल का है जिसके अंदर हर प्रश्नों का समाधान देने की क्षमता है, ऐसा आप मानते हैं, अभी उसमें से आप 5% यूज करते हैं, तो ज्ञान नया लेने की जरूरत है कि वही ज्ञान को यूज करना है, मेरा प्रश्न ये है, मैं
समझिए आपका क्वेश्चन आपके पास बार बार इस चीज को, आप जैसे मैं जिस जगह जा रहा हूँ उसको ज्ञान को मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, तो आप कह रहे हो मेरे आप आओ उस चीज को प्रैक्टिकल विज्ञान से सीखो तब आप हो, आपको अंदर से आप खोज के प्राप्त करोगे, यही है बात तो आपकी। तो कहने का मतलब ये है हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई धर्मगुरु के पास जाता है, फिर दूसरे धर्मगुरु के पास जाता है, फिर शास्त्र पढ़ता है, फिर दूसरा शास्त्र पढ़ता है। वो क्यों पढ़ता है? वो गलत है इसलिए नहीं, उनकी बात जब मेरे को समझ में नहीं आती है तो मैं जहाँ समझ में आ सकती है वहाँ मैं जा सकता हूँ, और सबके लिए ओपन है, इसमें कोई टिका की बात नहीं। ये सब व्यक्तियों की प्रोसेस है, ये सब व्यक्तियों की प्रोसेस है। हमको व्यवहार जीवन में मालूम है कि हम पांचवी कक्षा में पास हो गए, हम पांचवी कक्षा में पास हो गए, अभी हमको सिक्स स्टैंडर्ड में जाना है, तो पांचवी कक्षा की किताब, टीचर और पांचवी कक्षा का ज्ञान ये छोड़ूंगा तभी मैं सिक्स में जा सकता हूँ। मगर मैं कहूँगा कि पांचवी कक्षा की टीचर भी ले जाऊँगा, किताब भी ले जाऊँगा, तो फिर क्या होगा? तो ये बात हमको प्रैक्टिकली मालूम है, मगर धर्म में ये बात मालूम नहीं है और नहीं हम स्वीकार करते हैं। आगे जाने के लिए पीछा छोड़ना है, जब पगथिया चढ़ते तो भी मालूम है कि पीछे का पगथिया छोड़ूंगे तो अभी आगे जा सकते हैं, वहाँ भी मालूम है, स्कूल में भी मालूम है, कॉलेज भी मालूम है, खाली धर्म में मालूम नहीं है हमको। ये हमारी कमजोरी है, मैंने कहा ना माइंड सेट, क्या बता दिया, हम सबको मालूम है आगे जाने के लिए पीछा छोड़ना पड़ेगा, आज जीने के लिए कल भूलना पड़ेगा, नहीं समझे? अगर अगर स्टेप सेकंड पे जाना है तो फर्स्ट को छोड़ना पड़ेगा, अगर पांचवी कक्षा में छठी में जाना है तो पांचवी कक्षा की किताब भी छोड़नी पड़ेगी, टीचर भी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ मालूम होता है यहाँ नहीं मालूम होता, यहाँ पकड़ आए गए हमारे। हम ये नहीं कहता हूँ कोई टीचर गलत है, टीचर सब सही थे, मगर सबका लेवल क्या है, तो लेवल की बात है या राइट और रॉन्ग की बात नहीं। जब वो कहता है मैं पांचवी कक्षा का टीचर हूँ तो कितना पढ़ाएगा, फिर आप छठी कक्षा में कहेंगे आप आ जाओ ना, मगर वो उस स्टैंडर्ड का टीचर नहीं है, तो वो आपको भी समझना है, नहीं समझे? और इसलिए मैं हर बातों को एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ ताकि कोई भी कॉमन सेंस वाले व्यक्ति कहेंगे नहीं उनकी बात में दम है, रैंडम नहीं है। रैंडम समझते, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये बात मान लो, ये बात मान लो, ये बात स्वीकार कर लो, ये शास्त्र में लिखा है, ऐसा मैंने नहीं कहा। हर बातों के पीछे मैंने एग्जाम्पल रखा ताकि आप समझ सको, और एग्जाम्पल ही व्यक्तियों को बात समझने में आसान बना देता है। इनमें ये शब्दों में कोई शास्त्रों का शब्द नहीं है, अलंकारिक भाषा नहीं है, एग्जाम्पल भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप समझे? कोई बात मैंने ऐसी नहीं की जो आपको समझ में नहीं आएगी, एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल दिए, किताबों में लिखा है वो मैंने नहीं बताया, शास्त्रों के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है, मगर मैंने कहा हमको खुद को भी अपनी दृष्टि अपने आगे जाने के लिए बदलनी पड़ेगी, आप समझे? और मैंने हमारे हजारों सत्संग में कहा है कि राम और कृष्ण इतने महान थे इसमें कोई संशय नहीं है, मगर राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर, जो इनका आयुष्य हजारों साल का है, वो पूरे आयुष्य के अंदर उन्होंने कभी भी 25 व्यक्तियों के आगे प्रवचन नहीं किया है। सुना कि नहीं सुना? बात सही है, गलत लगती है आपको? नहीं, ये बात सही, एग्जांपल सही लगता है गलत लगता है? नहीं, मैं एग्जांपल की बात, तो इसीलिए महान पुरुषों की बात ज्यादा लोग सुनेंगे समझेंगे, ये सतयुग में भी पॉसिबल नहीं था, तो ये कोई नई बात, इट इज वेरी कॉमन थिंग, द पर्सन दे हैव इंटरेस्ट एंड दे नो द वैल्यू, तभी वो समझ सकेंगे। और इसीलिए महान पुरुष जीवन में आगे चलते हैं, क्या करते हैं? आगे चलते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है, जिसको जानना है वो बताएंगे, जानना है बताएंगे, जानना है बताएंगे, मगर वो कभी गुरु बनते नहीं है और शिष्य करते हैं। जो गुरु शिष्य बनेंगे वो स्टक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? स्टक, समझते हैं? बस इसीलिए हम कहते हैं कि हम न गुरु है न शिष्य बनाते हैं, हम स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट बनाने के लिए आए हैं, और वो साइंस भी सनातन सत्य है, वो मेरा सत्य है। That's it.
कोई कहेंगे स्वामी जी आपकी बात मेरे को पसंद नहीं है, बोला मेरी बात को आप पसंद नापसंद मत करो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात नहीं पसंद करते हो, क्योंकि मैं उसकी बात करता हूँ, मेरी बात नहीं करता हूँ। अगर मैं राम की बात करूँगा तुम कहोगे मैं आपकी बात पसंद नहीं करता हूँ, मैं कहूँगा राम मेरी बात पसंद नहीं करते हो, राम की बात पसंद नहीं करते हो, मैं राइट और रॉन्ग? तो मैं कौन से बात करता हूँ? यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो आप पसंद नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं कहा ये मेरी बात है, प्रेजेंटेशन मेरा है, बात किसी करता हूँ यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो आप पसंद नहीं करते किसको कौन पसंद नहीं करते हो? यूनिवर्सल ट्रुथ को। मेरे को नहीं पसंद करना है यहाँ व्यक्ति की बात नहीं है। आम लोगों के अंदर इतनी सोच भी नहीं होती है ना बोलते समय, ये तो मैं हाईलाइट करता हूँ तो दिमाग में आता है क्या ऐसा भी होता है। बात यही है, मैंने पहले भी कहा मैं जितना भी उत्तर दूंगा इतने आप प्रश्न उठेंगे, क्योंकि सोच नहीं है ना आपके पास, मैं कहूंगा तभी मालूम हो ऐसा भी होता है, फिर आपको दूसरा प्रश्न आएगा, फिर तीसरा आएगा, क्योंकि इस लाइन पे गए ही नहीं आप, हर बात को आपने नहीं सोचा है। मैं जितनी बात करूंगा सिंपल प्रश्न पूछूंगा, सिंपल साहब सिंपल, कि कर्म और कर्मफल शब्द सुने हैं ना आपने, कर्म और कर्मफल ये दोनों की डेफिनेशन एक दो और तीन सेंटेंस में दे सकते हैं? कर्म और कर्मफल दो शब्द है और दोनों की तीन तीन मैक्सिमम तीन सेंटेंस में डेफिनेशन देना है, थियरी नहीं एग्जांपल नहीं। H2O से पानी होता है इसको क्या कहते हैं? डेफिनेशन। प्रोसेस नहीं जानना है, दूध और पानी की तरह एक मेक हुए कारण कुछ उनको कर्म कहते हैं, कसा यो कर्म के योग से जो होते हैं दूध और पानी की एक मेक तरह हुए वो अपने आत्मा पे जब चिपक जाते हैं कर्म कारण उसको कर्म कहते हैं, और कर्म जो आप कह रहे हो वो कैसे कर्म फल कैसे मिलता है? जैसे एक तलवार है, ये तलवार है, एक आदमी उस पर सैर लगी हुई है, उसको मैं चाट रहा हूँ तो मुझे वो अच्छी लग रही है, तो ये सातावेदनी हो गया, और उसको मैं जीभ से काट रहा हूँ तो असातावेदनी का उदय हो गया, ये हो गया कर्म का फल, कि जैसा मैं जिस स्थिति में ले रहा हूँ उसका फल मुझे उस स्थिति में मिलेगा। समझ गया, आपने जो कहा वो एग्जाम्पल है कि डेफिनेशन है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल। और मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? आप बताओ कि डिस्क्रिप्शन एंड एग्जाम्पल नहीं देना है, ओनली डेफिनेशन। कहा तक नहीं पहला मैंने? अब आप बताओ सर, मेरे को मालूम है। नहीं, मैं आपको मौका देता हूँ, आप बता सकते हैं? कर्म जो हम करते हैं डेफिनेशन नो नो एग्जाम्पल एंड नो डिस्क्रिप्शन। परिभाषा समझते हैं? परिभाषा डेफिनेशन तो पर्टिकुलर कोई बना देता है वो परिभाषा। जैसे हम किस जे कोई कोई पूछा आपको प्रश्न करेंगे इंसान किसको कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? हाथ होंगे, पैर होंगे, सर होंगे, ये 5 senses होंगे, इसको इंसान कहेंगे। इट इज बी कॉल्ड ए डेफिनेशन। मैंने पर्टिकुलर नहीं पूछा ऑफ द पर्सन। कर्म जो करते हैं वो कर्म और करने का जो परिणाम मिलेगा वो फल करते हैं वो कर्म। जो कुछ भी करते हैं, अगर मैं नींद ले रही हूँ तो वो कर्म है, मैं खा रही हूँ वो कर्म है, खा रही हूँ ये मेरा कर्म है, खाने से मुझे पोषण मिल रहा है शरीर में वो मेरा कर्म फल है। तो जो आपने तो बताया कर्म और कर्म फल, ये दोनों आपने जो एग्जाम्पल दिया वो दोनों एग्जाम्पल दिया, डोंट वरी, तो ये कर्म फल की परिभाषा है, कर्म की इसमें आती नहीं है, ये कर्म की परिभाषा है ही। कि आपने जो भी बताया खाना वो भी कर्म फल है, और खाने का पाचन होना न होना वो भी कर्म फल है, बीमार होना वो भी कर्म फल है, और तंदुरुस्त होना वो भी कर्म फल है। बीमार क्यों हुए वो कर्म है, जैसे बाहर गए ठंडी लगी बाहर गए वो कर्म है, उससे बीमार हो गए वो कर्म फल है। बाहर गए वो कर्म नहीं है, बाहर क्यों गए वो क्या है? जैसे बाहर कपड़े सुखा के आए वो कर्म फल है कि नहीं? अब वो पानी आ रहा है कर्म है, अब वो पानी आ रहा है तो वो कपड़े लेने के लिए वापस जाना है तो कर्म किया पहले, अब वो पानी आ रहा है कर्म फल। आपको है, आपको खुद को भी मालूम हो जाता है जब आप एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाटएवर आई एक्सप्लेन इट इज नॉट करेक्ट। अब जब बात कर रहे हैं तभी आपको मालूम है कि मेरा प्रेजेंटेशन ठोस नहीं है। मेरा प्रेजेंटेशन तो समझते हैं, आप जो प्रेजेंटेशन मेरे से एक्सेप्ट कर रहे ना, वो जो मैंने प्रेजेंटेशन किया मैंने कहा जो मुझे ध्यान है वो ये है, वही पता, इसलिए मैंने कहा कि
हमने अभी तक जो भी धर्म जाना है सुना है शब्द निकाल दो धर्म शब्द एक मिनट शब्द निकाल दो सब धर्म शब्द निकाल दो ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपने अभी तक जो कुछ भी जाना है जहाँ से भी जाना है ओके धर्म नहीं कहूंगा जहाँ से भी जाना है चाहे समाज में से चाहे धर्म से मगर मैं प्रयोग नहीं करूंगा जहां से कहीं से भी आपने जाना है ज्ञान ठीक है तो वो ज्ञान जाना है उस ज्ञान के अंदर कोई जगह पे प्रिंसिपल नहीं है और प्रिंसिपल के रूप में आपने जाना नहीं है और इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसको और इसीलिए आपको जो बात बतानी है वो एग्जाम्पल से बताएंगे ताकि आपको मालूम कि मेरे पास डेफिनेशन नहीं है और जो कुछ जाना है आपने जहाँ से भी जाना है वो आपने इसी रूप में जाना है और इसीलिए वो आप मेरे को बताने की कोशिश करते हैं ठीक है जो भी जाना है जहाँ से भी जाना है आपने वो बताने की आप कोशिश करते हैं ठीक है तो कहने का मतलब हमने जो आपने प्रश्न किया कर्म किसे कहते हैं जिसकी मेरे ज्ञान का मैं कहा जैसे मैंने जैसा सीखा वो बताया आपको कोशिश नहीं की हमने जो जाना आपने जो प्रश्न किया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मेरा कर्म है मैं यहां पे बैठकर आपसे बात कर रही हूं ये मेरा कर्म है मैं काम कर रही हूं करना एक साधारण भाषा है आप किसी को भी मतलब ये तो बहुत ज्ञानवान लोगों की बातें हो जाती है आप चलते फिरते आदमी को भी पूछोगे एक बार तो वो सोचेगा कर्म कर्म मतलब क्रिया कार्य वर्क वो क्या होता है कि जो करते हैं वो कर्म है वही तो मैं वही मैंने कहा कि इसीलिए हमने वो भी कहा आपको कि आपने अभी तक जो भी जाना है और जहाँ भी जाना जहाँ से भी जाना है और वही आपके दिमाग में है और वही समाज में चलता है और वही बात आपको एक्सप्लेन करते हैं मेरे तो उसमें मैं मना नहीं करता मगर आपको प्रिंसिपल जानना है ये मैं कहना चाहता हूँ अभी आपने मैंने आपको मौका दिया यू एक्सप्लेन द डेफिनेशन इफ़ यू हैव तो आपने जो कुछ कहना था वो आपने बोल दिया ठीक है अभी मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ आप समझे फिर बाद में एग्जाम्पल दूंगा पर पहले क्या दूंगा डेफिनेशन जिसको परिभाषा बोलते हैं जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है कर्म का अंश नहीं है रिपीट करता हूँ तो आपने जो बताई मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म है गलत है आपने गलत सुना आपकी जो धीरज है ना वो खुट गई इसलिए मैं रिपीट करना चाहता था मगर आपने सुना नहीं बोला नहीं नहीं वहाँ काट दिया आपने मेरे को मालूम है कि आप सब लोगों की सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है इसलिए मैं कम से कम दो बार तो रिपीट करता हूँ और मैंने सामने से कहा कि मेरे को मालूम है मैं 25 बार कहूंगा तो भी लोगों को गलती होती है वो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और इसलिए कम से कम मैं दो बार तो रिपीट करता हूँ ये मेरी फर्ज है रिपीट करता हूँ जो मैंने डेफिनेशन का मतलब शब्द आगे पीछे नहीं होगा ठीक है ओके जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है उसमें कर्म का अंश नहीं है तो डेफिनेशन किसकी दिया मैंने कर्म फल की डेफिनेशन दिया फिर भी भूल जाते हो मैंने दो शब्दों का डेफिनेशन था इसमें किसके दिया मैंने तो डेफिनेशन किसकी हुई ओके कर्म उसी से बनते हैं मन वचन काया से बात तो वही है ना जैसे मैंने कर्म किया आप तो वही मन वचन काया से आप बात हुई सोना को अभी आप उत्तर दे रहे हो प्रश्न करते हो क्या करते हो नहीं आपकी वो तो हम समझ लिए ना आपकी बात मैंने मैंने आपको डेफिनेशन एक दे दिया फिर दूसरा दे रहा हूँ तो सुनना है तो फिर आप बोलोगे तो मैं कैसे कहूंगा मैंने मेरी दो डेफिनेशन तीन तीन लाइन की प्लस सुन तो लो आपको मैंने मौका दिया आप नहीं प्रेजेंट कर सके डेफिनेशन आपको एग्जांपल ही देना पड़ा क्योंकि आपके पास डेफिनेशन नहीं थी मैं भी मानता हूँ कि आपके पास नहीं है प्रश्न ये नहीं है प्रश्न मैंने डेफिनेशन दिया अभी एग्जांपल नहीं दिया है और दूसरों के भी डेफिनेशन दूंगा बाद में आप कहोगे नहीं समझ में आया तो एग्जांपल दूंगा ठीक है और तीसरी बार पूछोगे तो मेरी डेफिनेशन यही रहेगी
शब्द प्लस माइनस नहीं होंगे। डेफिनेशन का मतलब होता है फिर उसमें प्लस माइनस नहीं होता है एज इट इज। एग्जाम्पल 100 दे सकता हूँ मगर डेफिनेशन एक ही होगी। इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अभी कर्म की डेफिनेशन देता हूं। मन वचन काया से जन्म से मौत तक जो कुछ भी भुगतान करते हैं उस समय आप अंदर भाव क्या करते हैं तो भाव वो कर्म है और मन वचन काय की क्रिया वो कर्म फल है। जैसा भाव वैसा भव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, जिसका मन वचन काया बिगड़ा इसका भव बिगड़ा, कोई शास्त्र में है? तो भाव वो कर्म है और मन वचन काय की क्रिया वो कर्म फल है। अभी नहीं समझ में आया तो मैं एग्जांपल दूं। मैंने अभी एग्जांपल दिया नहीं है। नहीं, आप दीजिए एग्जांपल। एग्जांपल दे दो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं मेरे को विचार आए अच्छे या बुरे, मैंने जबान से बोला कुछ भी, मैंने क्रिया किया कोई भी किसी के साथ, मगर मैंने किया, क्रिया भी मैंने किया, जबान भी मेरी, थॉट भी मेरा, ठीक है। ये तीनों कर्म फल है। क्या है? यानी आप जो सोचना चाहते हो, बोलना चाहते हो, करना चाहते हो, वो सब संयोगों के अधीन ही होगा। क्या होगा? बिना संयोग कुछ कर सकते हैं? और संयोग किसने दिया आपको? कुदरत ने। क्यों दिया? कर्मों के भुगतान। आपने माता पिता किसने दिया? कुदरत ने, कर्मों के बस। फिर माता पिता मिलने के बाद आपने माता पिता किसने माना? आपने माना, वो आपका कर्म है। भाई बहन किसने माना? आपने माना। आप समझे? क्योंकि आपको मिला तो ये कर्म फल। आपके पास चॉइस? कर्म फल के अंदर जन्म से मौत तक श्वास लेने की भी चॉइस नहीं है। इसको फल बोलते हैं। फल का मतलब नो चॉइस, कंपल्सरी। आपने एग्जाम दे दिया फिर रिजल्ट एक महीने के बाद आए या छह महीने के बाद आए, मगर आपके पास चॉइस नहीं। इसको कहते हैं कर्म। जन्म से मौत तक, मैंने पहले भी कहा था, हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। ये पूरी लाइफ की बात आ गई और इसके पीछे मन वचन काया भी आ गया। तो डेफिनेशन सेट हो गई जो मैंने पहले कहा था उसमें। डेफिनेशन सेट हुई कि नहीं? बस ये कर्म फल हुआ। और भाव से क्या बनते हैं? कर्म। जैसा भाव वैसा भाव। चोरी करने वाला चोरी न करने का भाव कर सकते हैं और चोरी न करने वाला चोरी करने का भाव कर सकते हैं। भाव एंड एक्शन बोथ आर द डिफरेंट। भाव जो है वही कर्म है। भाव कर्म है, वो दिखते हैं और जो दिखते हैं करते हैं वो कर्म फल है। लाइन ऑफ डिमार्केशन, नो राउंड राउंड। एक्शन से पहले की जो सिचुएशन है वो कर्म है। एक्शन होते हुए जो अंदर भाव होते हैं वो कर्म है। भूख लग रही है। एक मिनट, रात को 12 बजे मेहमान आए, ठंडी के दिन बेल लगा दिया किसी ने 12 बजे जनवरी महीने में, आप सो गए साउंड स्लिप, किसी ने बेल लगाया, आपने बेल सुना। अभी कौन है कौन नहीं वो तो नहीं मालूम आपको। आपके विचार के आपको भाव क्या होगा? अभी कौन आया तो मालूम नहीं, पर भाव अच्छा रहेगा बुरा रहेगा? बुरा रहेगा। कौन है वो तो नहीं मालूम। अभी ऑन द स्पॉट जो होगा आप समझे, बैल का रिएक्शन क्या होगा? ये कोई आने का टाइम है ना, फोन किया कुछ नहीं किया, आदमी कैसा है, कौन है वो तो नहीं मालूम। फिर आप डोर पे गए और नॉक कहा, कौन है आप पूछ देंगे सही ना? रात को 12 बजे कोई आता है तो पूछेंगे तो सही ना? वो कहते हैं कि मैं तो आपका भाई हूँ, फिर क्या करोगे? खोलेंगे, आइए बैठेंगे, कहेंगे ना। फिर आपका हस्बैंड कहता है, साला जी अभी आप आए ठंडी के मौसम में तो चाय बाय पिए गए कि नहीं? ठंडी में आए बाहर से तो साला साहब क्या कहता है मालूम है? जीजा जी आप चाय की बात क्या करते हो, मैं तो 9 बजे आने वाला था, गाड़ी बिगड़ गई, अभी तो खाना भी बाकी है।
फिर क्या होगा? खिलाना पड़ेगा मेरे को। नहीं खिलाना पड़ेगा नहीं, मैं भाव की बात करता हूँ। भाव में वो आ जाएगा, फिर आपको कैसे बनूं? वो भाव खराब मुझे ही क्यों? वो बोलेंगे कुछ नहीं, खाना बनाएंगे खिलाएंगे, मैं वो प्रश्न नहीं करता हूँ। भाव क्या होगा उसका बताओ। आप खाना बनाते हैं खिलाते हैं वो कर्म फल है, और भाव बिगाड़ा वो आपका कर्म। तो साढ़े चार बजे अंदर यार, पाँच बजे चार बज के 33 मिनट, 5 बजने में कितने मिनट कम सर? तो कहने का मतलब ये है कि हर बातों को मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, थियोरिटिकल नहीं। जब मैंने डेफिनेशन कहा तो आपको डेफिनेशन ही बताया, जब मैंने सनातन सत्य की बिगिनिंग बताया तो मैंने 6 तत्व ही बताया। कोई थियोरी, कोई धर्म, गुरु, भगवान, संप्रदाय की बात मैंने नहीं कहा, हर बात में मैंने सनातन सत्य को प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया, जो मेरा मूल प्रेजेंटेशन है, उद्देश्य। मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूँ और विज्ञान सिद्धांत के ऊपर है, तो मैं कोई भी बात करूँगा बिना सिद्धांत की नहीं करूँगा, और श्रद्धा की भी नहीं करूँगा। मेरी हर बात के अंदर प्रिंसिपल होंगे। राम को नहीं स्वीकारा, कृष्ण को नहीं स्वीकारा, जीते जी मेरे को नहीं स्वीकारे, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है? सिद्धांत के अलावा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है। कितना स्वीकारेगा, इसलिए मेरे को झूठ बोलना है, आपको खुश करना है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। कुल मिलाकर भाव अच्छे रखने हैं, मतलब तो जैसा भाव वैसा, जैसा भाव। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा निचोड़। और कुछ प्रश्न करना है? सनातन सत्य के अंदर कोई ऐसा हमको कोई सिद्धांत कोई मार्ग या सरल मार्ग बताओ, जैसे कोई क्रिया करके हम धर्म ध्यान करें, कम भाड़ा दे रहे हैं, या कोई भगवान को पूजे या आरती उतारे, उससे कोई हम आत्मा की प्रक्रिया कोई जल्दी जाने, ऐसी कोई क्रिया होती है? क्रिया वो पुरुषार्थ है या कर्म फल है? कर्म फल है। तो फल का फल आएगा? जब सिद्धांत पकड़ में आ जाएगा तो सब आपको मालूम हो जाएगा कि वेयर यू आर। सिद्धांत नहीं समझ में आएगा तो गोल गोल बात चलती रहेगी। क्रिया को कर्म भी कहेंगे, कर्म फल भी कहेंगे, मगर जब सिद्धांत मालूम हो जाएगा तो सिद्धांत ही आपको उत्तर दे देंगे। मैं नहीं दूंगा, सिद्धांत देगा। यही तो ये विज्ञान की खूबी है कि एक एक सिद्धांत समझते है लोग, और लाखों प्रश्नों के समाधान उससे मिल जाता है। कितने आप समझे? क्योंकि बेस नहीं है ना। क्या नहीं है? बेस नहीं है एक्चुअली में। स्वामी जी हमने क्या है, हर जन्म जन्म में जो जन्म हुए है उसमें अज्ञानी अज्ञान अज्ञानी अज्ञान रहा, तो वो प्रैक्टिकल हमारा अज्ञान इतना फिट हो गया कि जो कोई ज्ञान की बात समझ में आनी चाहिए वो उतरती नहीं है गले, वो क्यों? इसीलिए मैंने कहा ना, अभी तक कितने अवतारों से धर्म के माध्यम से हम सबका माइंड सेट हो चुका है कि मन वचन काया की क्रिया से ही कर्म होता है, वो माइंड सेट हो गया। और समाज में जाओगे यही बात, धर्म गुरु के पास जाओगे यही बात, कोई सामाजिक के पास जाएंगे यही बात, परिवार में यही बात, पक्का क्या होगा? पक्का क्या होगा? नहीं पक्का क्या होगा? आपका ज्ञान कौन सा पक्का होगा? जो बार बार सुनोगे वही पक्का होगा कि नहीं? अज्ञान ही पक्का होगा। और मैंने आज विज्ञान का अभी कहा, फिर बाहर जाएंगे फिर वही कहेंगे, फिर अज्ञान में घुस जाओ। क्रिया को पुरुषार्थ, क्रिया को पुरुषार्थ, क्रिया को, समाज में भी यही कहेंगे, धर्मगुरु भी यही कहेंगे, लोग भी यही कहेंगे, परिवार में भी यही कहेंगे। तो बार बार सुनते हैं क्रिया को पुरुषार्थ, तो पक्का क्या होगा? वही होगा। और मैंने आपको कहा कि मन वचन काय कर्म फल है, वो तो आपने एक मिनट में सुन लिया, और हजारों बार क्या सुनना है? क्रिया को पुरुषार्थ, तो पक्का क्या होगा? तो मैंने इसीलिए कहा, अगर आपको विज्ञान समझना है तो जो विज्ञान आपने समझा है वो बार बार हर लाइफ के अंदर हर संजोग में दृष्टि से उपयोग करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर चॉइस। जान लिया तो पक्का नहीं होगा, उपयोग करना पड़ेगा। वो कहेंगे आरती करो पुरुषार्थ है, आपको सुनना है, अंदर मानना है आरती उदय कर्म है भाव पुरुषार्थ है, वो आपको समझना है, उनको बोलने की जरूरत नहीं है आपको।
हर बात में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, रिलेटिव सत्य एंड सनातन सत्य। वो कहेंगे उपवास करो, ये धार्मिक पुरुषार्थ है, आप उपवास करना, समझना ये मेरा उदय कर्म है और भाव मेरा पुरुषार्थ है। बस बोलने की जरूरत है, मगर आपकी दृष्टि को तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। वो दृष्टि देगा फिर वो स्वीकार करेंगे, फिर अज्ञान पक्का होगा, फिर भाई हमको अज्ञान निकालना है, पक्का भी करना है निकालना भी, दोनों साथ में हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा हर बात में आपको, इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म विज्ञान वो आर्ट ऑफ विजन है, आर्ट ऑफ एक्शन स्पीच एंड थॉट नहीं है, आर्ट ऑफ विजन वो थॉट स्पीच एंड एक्शन। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान मानता है मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, परिणाम है, तो फिर उसके बाद क्यों करेंगे जो कंपलसरी है, परिवर्तन नहीं होने वाली है, इसकी बात करने से क्या फायदा। मगर जहां आपके पास फ्रीडम है भाव करने की, वही बात करूंगा, परिणाम की बात क्या करूंगा। मैं राम कहूंगा कि आपको वनवास नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है, वहां राम कहेगा मेरा उदय कर्म है, तो क्या करूंगा, तो मेरी बात की क्या वैल्यू रही। जो आपके हाथ में नहीं वो बात करने से फायदा क्या। मैं आपको ये बात कहूंगा कि कोई भी संयोग आएगा वनवास में जाना या न जाने का, मगर आपको समझना है कि ये जाऊंगा तो भी उदय कर्म है, नहीं जाऊंगा तो भी उदय कर्म है, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं राम से मुक्त ऐसा सुख है बस। तो फिर जाने न जाने की बात आई नहीं, तो बात तो समझनी पड़ेगी। बहुत इसीलिए तो मैं कहा विज्ञान बहुत गहरा है साहब, समझने में वही तो मैंने कहा है, ये विज्ञान सुन सुन के ही तो लोगों के अंदर प्रश्न उठे, तो कि आज तक तो साधु संत सन्यासी पूछने का मौका ही नहीं देते थे और हम उसकी बात बार बार सुनते थे, तो पक्का क्या होगा। अभी आपको मौका मिला तो भी प्रश्न करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, मगर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इतना आपने अज्ञान को पक्का कर दिया है, विज्ञान को समझने में समय लगेगा क्योंकि पिछला अज्ञान गाढ़ हो गया है, एकदम नहीं निकलेगा, इसके लिए विज्ञान समझ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज द ओनली वे। आप कहोगे आज बता दिया आज अनुभव हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, आज बता दो कल मोक्ष में चले जाएंगे। चलो और किसी को प्रश्न करना है, फिर ऐसा नहीं कि भी हमारा मौका नहीं मिला, धर्मगुरु तो मौका देते नहीं है, हम आपको मौका देते हैं। बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने, बहुत नहीं नहीं बैठ जा। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, उन सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ, जाहिर करता हूँ, उनके लिए, उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, आप और हम, आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे, तन्मयाकार रहे।
जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।